السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. ऐ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कहिए ऐ सारे मुल्कों के मालिक तू जिसे चाहे हुकूमत दे दे और तू जिसे चाहे हुकूमत छीन ले, तू जिसे चाहे इज्जत दे और तू जिसे चाहे जिल्लत दे, तेरे ही हाथ में भलाई है, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है और तू बेजान से जानदार निकालता है और तू जानदार से बेजान को निकालता है और तू जिसे चाहे बेहिसाब रिस्क अता करता है। सदक अल्लाहुल अज़ीम। बहुत शुक्रिया बिरादर मथर हुसैन नदवी। हज़रात गिरामी, इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज का इल्मी और फिक्री कारवां तकरीबन चार दहाइयों से सरगर्म सफर है। इस अरसे में इंस्टीट्यूट ने तकरीबन 2000 बैनुल अक़वामी कौमी कॉन्फ्रेंसें, सेमिनार, मुज़ाकरे और छोटे बड़े प्रोग्राम मुनक़िद किए हैं। उन तमाम प्रोग्रामों का कोई ख़ास मौजू होता है और किसी एक इल्मी, फिक्री, तहकीकी, समाजी मौजू पर इजहार ख्याल किया जाता है, लेकिन साल बसाल मुनक़िद होने वाला ये प्रोग्राम जिसमें हम मौजूद हैं, ये अपनी नौइयत का जरा मुख्तलिफ प्रोग्राम है। इंस्टीट्यूट के मकसद और उसके तरीक़े कार में इस अंदाज की एक लचक और एक वसअत और तनव्वो मौजूद है जो इस बात पर इंस्टीट्यूट को आमादा करता है कि मुख्तलिफ मैदानों में मुख्तलिफ अफकार से वाबस्ता अफराद की तायीन कदर की जाए और उनकी खिदमात एतराफ खुले आम आवाम के सामने किया जाए ताकि खुद उनकी खिदमात का एतराफ भी हो सके, उनकी हौसला अफजाई भी हो सके और नई नस्ल को कुछ करने का सबक भी मिल सके। गोया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक मन लम यश्कुरिन्नास लम यश्कुरिल्लाह, जो इंसानों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्र अदा भी नहीं कर सकता। तो गोया के इस फरमाने नबवी की एक अमली शक्ल की सूरत में इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज ने शाह वलीउल्लाह अवार्ड का सिलसिला शुरू किया है। यह सिलसिला मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली हसनी नदवी रहमतुल्लाह अलैह से शुरू हुआ था और आज हम इस सिलसिले के 14वें प्रोग्राम में यहां मौजूद हैं। मैं प्रोग्राम के को आगे बढ़ाते हुए इंस्टीट्यूट और बिलखसूस इस अवार्ड के तारुफ के लिए इंस्टीट्यूट के सेक्रेटरी जनरल प्रोफेसर जहूर मोहम्मद खान साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं।
प्रोफेसर जहूर मोहम्मद खान साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अस्सलाम अलैकुम। मेरे लिए ये बड़ी सादत की बात है कि मुझे इस मौके पर इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज के बहुत मुख्तसर तारुफ के लिए आ गया है। तो एक जमाना वो था कि जब हम इंस्टीट्यूट का तारुफ कराते थे तो मुस्तकबिल के प्लान्स के बारे में ज्यादा बताते थे, लेकिन आज हमारे पास इतना मवाद है कि हम घंटों तक उस अपने कार्य पर बात कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम्स पर बात कर सकते हैं। इस मकसद ये नहीं है कि मैं नक्शा पेश करूं, मैं इशारों में चंद बातें आपके सामने पेश करूंगा जिससे ये वाज़े होगा कि हम किस अंदाज का काम इन लोगों के साथ मिलकर कर रहे हैं। वो है रिसर्च का। रिसर्च वसी तरीन अपना है, कई तरीके से हम इसमें काम कर रहे हैं। कुछ उन्वानात ऐसे होते हैं जिसपे हम तहकीक करवाना चाहते हैं, उसको अपनी कमेटियों के जरिए से एक्सपर्ट्स से दरख्वास्त करते हैं कि वो उन मौजूदात पर काम करके हमें रिसर्च सबमिट करें। दूसरा ये है कि हम इनवाइट करते हैं कि जो कोई भी ये चाहे कि उनके पास कोई प्रपोजल हो, कोई तजवीज है, तो वो अपना रिसर्च प्रपोजल हमें भेजे, हम उस पर गौर करते हैं, फिर उसको अप्रूव करते हैं, और उसमें अगर कुछ माली तावुन की गुंजाइश होती है तो हम वो माली तावुन भी करते हैं। इसके अलावा सर्वेज का काम हम करते हैं, मुख्तलिफ रुझानात को तलाश करने और उन्हें जांचने, परखने, समझने के लिए हम मुख्तलिफ मौजूदात पे सारे हिंदुस्तान भर में या इलाकाई अंदाज में भी हम सर्वेज कराते हैं। ये मैं बात कहता चलूं कि हमारे पास 5 इलाकाई चैप्टर्स हैं सारे हिंदुस्तान में, मुख्तलिफ शहरों में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में। इन सबको हम कोशिश ये करते हैं कि वहां की जो जरूरियात हैं या वहां के जो मसाइल हैं उनके ऊपर जो मकामी हजरात हैं हम पहुंचे और हम उनसे अपने आप को कनेक्ट कर सकें, ये भी हमारा काम। दूसरा एरिया हमारा पब्लिकेशंस का है। पब्लिकेशन भी हम काफी बड़े अंदाज बढ़ते हैं, तकरीबन 500 किताबें हम छाप चुके हैं। तीसरा एरिया हमारा ट्रांसलेशंस का है। हम ट्रांसलेशन को भी बहुत संजीदगी से टेकअप करते हैं, जो अच्छे काम अंग्रेजी में हुए हुए हैं उनको उर्दू में, उर्दू को दूसरे और दूसरी जुबानों में। इस तरह अब तो हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान की जितनी इलाकाई जुबानें हैं उनमें भी हम अपने कामों का तर्जुमा करके और उसे तकसीम कराएं, ताकि हमारी बात लोकल जुबान में उन लोगों तक पहुंचे जिनके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। इसके अलावा बहुत बड़ा एरिया और बड़ा मौसर एरिया हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स का है, जिसमें हम नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करते हैं, और इसमें हिंदुस्तान के बाहर से भी हम एक्सपर्ट्स बुलाते हैं और हिंदुस्तान के अंदर जितने लोग हमें मिलते हैं उनको तो हम दावत देते ही हैं। इसके अलावा स्कॉलरशिप
रिसर्च के लिए जो स्कॉलरशिप है उसका भी एहतमाम हमारे यहाँ हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है कि चंद मजदूरियों की वजह से उसे हमें कुछ अरसे के लिए मुलतवी करना पड़ता है, लेकिन कोशिश यह है कि हम उसको जारी रखते हैं। इसके अलावा हमारे पास इंस्टीट्यूट की पब्लिकेशंस हैं, जैसे जर्नल ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज, लॉ रिव्यू, न्यूज़लेटर, मिनरेट, नुक्ते नजर, इस न्यूज़लेटर्स वगैरह, ये सब हम अपनी बातें उसके जरिए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और ये भी कोशिश करते हैं कि हमसे इस अंदाज से भी रابطے में रहें कि हम उनके ख्यालात, उनके सजेशंस, उनकी तजावीज को अपने प्रोग्राम में शामिल कर सके। हर प्रोग्राम में ये भी बहुत कोशिश करते हैं और गुजारिश करेंगे, अगर आप के जहन में कोई ख्याल है वो हमें जरूर इतला करें उसके बारे में, ताकि हम उसे अपने प्रोग्राम्स में शामिल कर सकें। इसके अलावा हम जैसे शावलीउल्लाह अवार्ड आपके सामने है ही, इसके अलावा हम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी देते हैं। इसके अलावा हम ये करते हैं कि जो ये एक्टिविटीज हो रही हैं उनको हम कोलैबोरेशन में भी लेके चलते हैं, यानी कुछ यूनिवर्सिटीज या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह ऐसी हैं जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल दोनों शामिल हैं, जिनके कोलैबोरेशन से हम अपनी इन एक्टिविटीज को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। चेयरमैन इसमें भी दिलचस्पी दिखाते हैं कि जो टॉपिकल थीम्स हैं उसमें भी हम लोग काम करें और मौसर अंदाज से काम करें। जैसे औकाफ के सिलसिले में चेयरमैन इज कंसर्न्ड अबाउट औकाफ एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ औकाफ, इस पर काम हो रहा है और इस पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कोई मुस्बत चीज पेश कर पाए। उसके अलावा इलेक्शन रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म्स, इस तरह के जितने इलेक्शन रिफॉर्म्स वगैरह हैं, इन सब पर भी हमारी नजर है और हम कोशिश कर रहे हैं कि एक्सपर्ट्स की मदद से कुछ ऐसा मसौदा तैयार हो जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा जा सके और उस पर वो काम कर सके। वक्तन फवक्तन हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को अपने बारे में या अपने ख्याल के बारे में लिखते रहते हैं। जैसे हमने इलेक्शन में जो मशीन इस्तेमाल होती है उसके सिलसिले में एक बहुत बहुत डिटेल डिस्कशन किया था और उसकी जो फाइंडिंग्स थी वो हमने गवर्नमेंट को भेजी थी। उसने कहा कि हमारा ये ख्याल है कि इन पे आप गौर फरमाएं। तो इस तरह आप देखते हैं कि हम अपने इस्तेदाद के मुताबिक इन एफर्ट्स को करते रहते हैं, इन कोशिशों को करते रहते हैं। अल्लाह का करम है कि लोग इनको समझते भी हैं। अरे भाई अगर रोशनी चाहिए ना मुझे तो और उससे फैजल से बात करो, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये छोटा सा एक नक्शा है, इंतहाई मुख्तसर नक्शा मैंने आपके सामने पेश किया कि किस अंदाज में इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज अपनी खिदमत दे रहा है। हमें दुआओं में शामिल रखिए, हमारे साथ तआवुन कीजिए और अगर कोई ऐसी तजवीज आपके पास है जो हम तक पहुंचे तो हम उसका इंतजार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर ज़हूर मोहम्मद खान साहब। हज़रात-ए-गिरामी, जैसा कि आप सबको मालूम है कि शाह वलीउल्लाह अवार्ड और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इन दोनों अवार्डों को के लिए इंस्टीट्यूट ऑब्जेक्टिव स्टडीज ने शाह वलीउल्लाह अवार्ड के लिए हर साल एक बोर्ड तश्कील दिया है और वो बोर्ड एक मौजू मुतय्यन करता है और उस मौजू के मुतालिक से जुड़े हुए जो इदारे मुल्क भर में हैं और जो अहम शख्सियात हैं उनसे राय मांगी जाती है और फिर उसके बाद जिस पर
इत्तेफाक होता है कि हाँ इस शख्सियत को अवार्ड दिया जाना चाहिए, उसकी खिदमत में ये अवार्ड पेश किया जाता है। इस साल दावत इस्लामी का मौजू मुतय्यन किया गया था और शाह वलीउल्लाह अवार्ड बोर्ड ने यह फैसला किया कि ये अवार्ड मिल्लत इस्लामिया हिंदिया की मौकर और बहुत ही मोहतरम शख्सियत हजरत मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी की वसी तर दावती व इस्लाही खिदमात की के एतराफ में उनकी खिदमत में पेश किया जाना चाहिए। हालात की वजह से ये प्रोग्राम ऑनलाइन मुनक्किद किया जा रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी तादाद है जो इस वक्त हमसे जुड़ी हुई है और दुनिया भर से लोगों के तासुरात और ख्यालात हम लोगों को पैगाम की शक्ल में मौसूल हो रहे हैं। तो शायद ऑनलाइन की शक्ल में एक मुस्बत नतीजा हमारे सामने ये है, एक बड़ा फायदा यह है कि इस वक्त हम लोग एक आलमी पैमाने पर इस प्रोग्राम को पहुंचा पा रहे हैं और लोग उससे मुस्तफीद हो रहे हैं। निजाम के मुताबिक अवार्ड याफ्ता शख्सियत मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी का कलमी खाका पेश करने के लिए मैं मारूफ सहाफी और वॉइस ऑफ अमेरिका के नामा निगार जनाब सुहैल अंजुम से गुजारिश कर रहा हूं कि वो मौलाना की खिदमत में का जो कलमी खाका है वो आप पेश फरमाएं। जनाब सुहैल अंजुम। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अजमल साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मैं सबसे पहले जमात इस्लामी हिंद के साबिक अमीर मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्हें इम साल ये एजाज तफीज किया जा रहा है। उसके बाद मैं इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद मंजूर आलम साहब का शुक्रिया अदा करना जरूरी समझता हूँ कि प्रोफेसर जफर अहमद निजामी साहब के इंतकाल फरमा जाने के बाद वो ये खिदमत मुझसे उन्होंने लेने की जरूरत महसूस की या उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं ये खिदमत अंजाम दूँ। लिहाजा मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी साहब का कलमी खाका आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। निकलता हुआ कद मुतनासिब खालुकद गौर व फिक्र में गर्क आंखें संजीदा गुफ्तगू जहानत से भरपूर बातें सर पर कुलाह मखमल इरादे गैर मुतजलजल चाल ढाल में शराफत तकरीर में लताफत खुशपोशी में महारत मिजाज व तबीयत में नजाफत खुशखरामी पहचान है किरदार में मोमिनाना शान है जुरत गुफ्तार पसंद करते हैं सिवा अल्लाह के किसी से नहीं करते हैं। आपकी शनाख्त न शमसी है न कमरी आपका नाम है मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी। 1935 में विलादत हुई जो खानदान के लिए बाईस सआदत हुई जनूबी हिंद का जिला आरकाट वतन मादर है तो शुमाली हिंद की दस्तारे वतनियत ज़ेबे सर है। इब्तदाई तालीम गांव में हुई शजरे मेहरे वालदेन की छाँव में हुई फिर जामिया दारुसलाम उमराबाद को आबाद किया अपने हल्के अहबाब को शाद किया। 1954 में सनद फजीलत मिली मजीद इल्मी पेशरफ के लिए कुव्वत अजीमत मिली यूनिवर्सिटी से भी दौलत इल्म पाई सनद मुंशी फाजिल में इज्जत बढ़ाई। फरागत के बाद रामपुर गए उमराबाद से काफी दूर गए शोबे तसनीफो तालीफ जमात से वाबस्ता हुए गोया शजर तहरीक से पैवस्ता हुए। इस ताल्लुक ने उम्मीदें बहार रोशन की एक बार नहीं बार बार रोशन की रामपुर के बाद अलीगढ़ मुंतकिल हुए बाद में दिल्ली आके मुस्तकिल हुए। इदारा तहकीक व तसनीफ इस्लामी के सेक्रेटरी और सदर रहे मिसले अंजुम मिसले हिलाल और मिसले बद्र रहे। मुजल्ला तहकीकात इस्लामी और दीगर रसाइल की अदारत भी की गोया इंतजामी उमूर के साथ साथ सहाफत भी की। अपनी इल्मियत से सहाफत का वक़ार बढ़ाया पहले से सातवें आसमान पर पहुंचाया। 1956 में मजलिस नुमाइंदगान के रुकने रकीन हुए मरकजी मजलिस शूरा में भी मसनद नशीन हुए जमात की तसनीफी अकेडमी के चेयरमैन हुए फिर तो जाने कितने आपके फैन हुए। कामयाबियों का काफिला आगे बढ़ता रहा मंजिलों पर मंजिलें सर करता रहा। 1991 में जमात इस्लामी की नयाबत अमारत मिली
गोया आपको बेश कीमत दौलत मिली। 2007 में मसनद अमारत पर जलवा अफरोज हुए, फिर तो कुल हिंद तंजीम के साहेब साजो सोज हुए। अप्रैल 2019 तक बारे अमारत उठाया, बसद जौक शौक उबर बिनाए मोहब्बत उठाया। इस वक्त जमात की शरिया काउंसिल के सरबराह हैं, गोया आज भी साहेब इज्जो जान। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सदर नायब हैं, अपनी राय में बहुत साहिब हैं। मजीद कई अदारों के जिम्मेदार हैं, गोया साहेब कश्फ असरार हैं। आप माहिर उलूमे इस्लामी हैं, महरम राज खुश कलामी हैं, मौजूआत कुरान से रगबत है, तसनीफ व तालीफ से उल्फत व मोहब्बत है, तजल्लियात कुरान से दिलो दिमाग रोशन है, जुल्मत दहर में मिसल चराग रोशन है। सीरत नबवी पर मकालात की भरमार है, गुलो गुंचे औराक सीरत से चमने हयात में बहार है। अकीदे तौहीद व रिसालत पर बहस करते हैं, मैं वहदानियत से जामो सुबू भरते हैं। इस्लामी तालीमात में खुदा और रसूल का तसव्वुर पेश किया, गोया मौसम खजा में कली और फूल का तसव्वुर पेश किया। इंसान और उसके मसाइल पर गुफ्तगू की, खूबियों खसाइस व खसाइल पर गुफ्तगू की, इंसान की मेराज को खुदा की गुलामी बताया, इस मसले को बज़बान अवामी बताया। तहरीर में साइंटिफिक उसलूब इख्तियार करते हैं, कायल कुन अंदाज खूब इख्तियार करते हैं। इस्लामी शरीयत पर कई तसनीफात हैं जो इंतहाई अहम मजमूए मकालात हैं। ये किताबें मुखालिफीन इस्लाम को दंदा शिकन जवाब हैं, तो अहले इस्लाम के लिए ताबीर और ख्वाब हैं। अपनी तहरीरों से इस्लामी मुआशरत की तस्वीर बनाई, हसीन पुरकशिश पुरतासीर बनाई। इंसानी हकूक से दिलचस्पी खास है, इस मौजू पर भी आपका इख्तिसास है। इस सिलसिले में 4 किताबों के अलावा कई मकालात हैं जो दास्तान हकूक इंसानी के उन्वानात हैं। असली मसाइल पर भी गहरी नजर है, जो कि कड़ी धूप में मानिंदे साजादार शजर है। इस्लाम में गैर मुस्लिमों से ताल्लुकात पर गुफ्तगू की, उनके हकूक की हर बात पर गुफ्तगू की, इंसानी अमराज की शरई तशखीस की, इस्लामी नुक्ते नजर से शिफायाबी तजवीज की। कई मबाहिस पर गहरी नजर डाली, कहीं बतफसील कहीं मुख्तसर डाली। मुल्की मसाइल को भी अहाते तहरीर में रखा, नशाने तेगो तफंगो तीर में रखा। आपका मोहतम बिशान दावत है, इससे खास रगबत व मोहब्बत है। आपकी तहरीरों में अदबी सुरूर है, जो तारीख माहौल में मिसल मीनार नूर है। हमेशा गौर व फिक्र में गर्क रहते हैं, वकारे मिल्लत इस्लामिया के लिए हर दुख सहते हैं। न दिन को दिन जानते हैं, न रात को रात, ऐसी ही शख्सियात के लिए इकबाल ने कही, क्या खूब बात कि इसी कश्मकश में गुजरी मेरी जिंदगी की रातें, कभी सोजो साजे रूमी, कभी पेचोताबे राजी। बहुत बहुत शुक्रिया, जजाक अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सुहैल अंजुम, आपकी 2 सफ़े की तहरीर में मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी की तकरीबन 7 दहाइयों में फैली हुई खिदमात और उनकी वसी और गहरी शख्सियत का खाका और उसका अक्स हम लोगों को बहुत साफ साफ नजर आया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। अब इसके बाद मैं मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी की खिदमत में सिपासनामा पेश करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज में शोबे अरबी के जिम्मेदार डॉक्टर सैयद निकहत हुसैन नदवी साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं और सिपासनामा पेश फरमाएं। डॉक्टर सैयद निकहत हुसैन नदवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सपासनामा बएतराफ़ खिदमात मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी, नायब सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी बर सग़ीर हिंदू पाक के उन चंद मुमताज़ उलमा में से हैं जिन्होंने इस्लाम की तफ़ीम व तशरीह के लिए गिराकद्र लिटरेचर फ़राहम किया है। इस्लाम के निज़ाम अक़ाइद, कुरानियात व उलूम सीरत, इंसानी हकूक, असरी मसाइल और इस्लामी मुआशरत पर आपकी किताबें सनत का दर्जा रखती हैं। आप हिंदुस्तान की तहरीक इस्लामी के चोटी के रहनुमाओं में से हैं, ख़ास तौर से इस्लाम की दावत के मौजू पर आपने वकी इल्मी काम किया है। मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी की विलादत
1935 में जनूबी हिंद में मुसलमानों के एक मरकज ज़िला शिमाली आरकाट के एक गांव पुत्तागरम में हुई। इब्तदाई तालीम गांव ही के स्कूल में हासिल की, फिर अरबी तालीम के लिए जामिया दारुसलाम उम्राबाद में दाखिला लेकर 1954 में फजीलत का कोर्स मुकम्मल किया। इसी दौरान मद्रास यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात भी दिए और फारसी ज़बान व अदब की डिग्री मुंशी फाजिल हासिल की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीए ओनली इंग्लिश प्राइवेट से पास किया। उम्राबाद से फरागत के बाद मौलाना जमात इस्लामी हिंद के उस वक्त के मरकज़ रामपुर आ गए और इसके शोबे तसनीफ़ तालीफ से वाबस्ता हो गए। बाद में इसे इदारे तहकीक़ तसनीफ़ इस्लामी अलीगढ़ के नाम से एक आज़ाद सोसाइटी की हैसियत से रजिस्टर्ड कराया गया। मौलाना इस इदारे के क़याम ही से 2001 तक इसके सेक्रेटरी रहे और अब सदर हैं। इसके बावक़ार सहमाही तर्जुमान मजल्ला तहकीकात इस्लामी की इदारत भी इन्हीं के ज़िम्मे है। ये मजल्ला 1982 से पूरी पाबंदी से निकल रहा है। इल्मी हलकों में इसे कदर की निगाह से देखा जाता है और इसकी तहकीकात को अहमियत दी जाती है। मुल्क की मुतनव्वे दीनी मिल्ली दावती और तहरीकी सरगर्मियों में मौलाना उमरी की सरगर्म शिरकत रही है। वो जमात इस्लामी की आला इख्तियाराती बॉडी मजलिस नुमाइंदगान और मरकजी मजलिस शुरा के रुकन है। जमात के तर्जुमान माहनामा जिंदगी नौ के 1986 से 1990 तक 5 साल मुदीर और जमात की तसनीफी एकेडमी के चेयरमैन रहे हैं। 1991 से 2007 तक जमात इस्लामी हिंद के नायब अमीर, इसके बाद अप्रैल 2019 तक उसके अमीर रहे हैं। आजकल जमात की कायम करदा शरिया कौंसिल के चेयरमैन हैं। इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नायब सदर, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत की सुप्रीम कौंसिल के सदर, जामतुल फलाह बलेरियागंज आजमगढ़ के शेखुल जामिया और सिराजुल उलूम निस्वा कॉलेज अलीगढ़ के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। मौलाना बैनुल अक्वामी रिफाही तंजीम अल हैयतुल खैरियतुल इस्लामियतुल आलमिया कुवैत के रुकन भी रहे हैं। बैरून मुल्क के मुख्तलिफ दीनी इदारों और तंजीमों की दावत पर मौलाना बरतानिया, सऊदी अरब, कुवैत, मुत्तहिद अरब अमारात, ईरान, पाकिस्तान और नेपाल के बार बार सफ़र कर चुके हैं। मौलाना अपनी तालिबे इल्मी के दौर से ही मजमून निगारी और तहरीर का अच्छा ज़ौक रखते थे। अल इंसाफ इलाहाबाद और माहनामा तजल्ली देवबंद में शाया शुदा बाद मजामीन इस दौर की यादगार हैं। उम्राबाद से फरागत के बाद चंद माह अपने उस्ताद मौलाना अबुल बयान हम्माद उमरी मद्दज़िल्लुहु के साथ मिलकर बंगलौर से हफ्त रोज़ा अखबार पैगाम के नाम से निकाला। इसके बाद जमात इस्लामी हिंद के शोबे तसनीफ़ तालीफ मौजूदा इदारे तहकीक़ तसनीफ़ इस्लामी से वाबस्ता होकर इल्मी व तसनीफ़ी खिदमात अंजाम दी। मौलाना ने अब तक मुख्तलिफ मौजूआत पर जो कुछ लिखा है वो इस्लामियात के ज़खीरे में काबिल क़द्र इजाफ़ा है। इनमें से बहुत सी किताबें शाये हो चुकी हैं, कुछ मुंतज़िर तबा और कुछ ज़ेर तरतीब हैं। अब तक शाये होने वाली किताबों की तादाद 4 दर्जन से ज़्यादा है, जिनमें तजल्लियात कुरान, औराक सीरत, इंसान और उसके मसाइल, औरत और इस्लाम, बच्चे और इस्लाम, इस्लाम का आयली निज़ाम, गैर मुस्लिमों से ताल्लुकात और उनके हुकूक़, कमज़ोर और मज़लूम इस्लाम के साए में ये मुल्क किधर जा रहा है, तहजीब व सियासत की इस्लामी कदरें खसूसियत के साथ काबिल ज़िक्र हैं। मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी की इल्मी तहकीक़ात का एक मोहतम बिशान मौजू दावत है। उन्होंने दावत की ज़रूरत, अहमियत और तरीक़ेकार से मुतालिक बहुत मेयारी अंदाज में काम किया है। इस मौजू पर लिखी गई आपकी मुतादिद किताबें मुल्क व बैरून मुल्क में बड़ी कसरत के साथ आम हुई और अवाम खवास ने उनसे भरपूर इस्तिफादा किया। इन किताबों में मारूफ मुनकर, इस्लाम की दावत, सबील रब, दावत इल्लाह का रास्ता, इस्लाम एक दीन दावत, दावत व तरबियत, इस्लाम का नुक्ते नज़र, हिंदुस्तान में इस्लाम की दावत,
खुसूसी अहमियत की हामिल हैं। इसके अलावा गुज़श्ता 2-3 दहाइयों से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दावती मौजूआत पर खिताब करते रहे हैं। इससे अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में दावती जज्बा उभरा है और दावती फिजा बनाने में मदद मिली है। मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी की इन वसीतर दावती इस्लाही इल्मी और तहकीकी खिदमात का एतराफ़ करते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ बड़े फ़ख्र के साथ मौलाना की खिदमत में 14वां शाह वलीउल्लाह एवार्ड पेश कर रहा है। इस आरज़ू के साथ कि खालिक़े कायनात आपका साया दराज फरमाए और आप हमेशा उम्मत मुस्लिमा की ऐसी गिरा कदर खिदमात अंजाम देते रहें। गर कबूल उस्ताद ज़हे इज़्ज़ो शरफ डॉक्टर मोहम्मद मंजूर आलम, चेयरमैन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज, नई दिल्ली, 20 जून 2021। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर निखत हुसैन नदवी साहब। हजरात गिरामी, अब सिपासनामे के बाद वो मौका आ चुका है जिसके लिए आज का ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है, यानी हजरत मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी की खिदमत में सिपासनामा और मेमेंटो और एजाजिया का चेक पेश किया जाना है। मैं गुजारिश कर रहा हूं बिरादरम मोहम्मद आलम, असिस्टेंट सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट ऑब्जेक्टिव स्टडीज से, कि वो मौलाना की खिदमत में ये चीजें पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इंस्टीट्यूट के उन तमाम कारकुनान का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मौलाना की खिदमत में पहुंचकर ये चीजें मौलाना की खिदमत में पेश की हैं, और दिली मुबारकबाद तमाम शुरका की जानिब से। इस वक्त जो कई सौ शुरका हमारे साथ दुनिया भर से मौजूद हैं, उन तमाम की जानिब से मौलाना की खिदमत में दिली मुबारकबाद भी पेश है। और मैं साथ साथ गुजारिश भी कर रहा हूं मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी साहब, नायब सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से, कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। मोहतरम सदर मजलिस और शामिल इकराम,
इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर स्टडीज की बड़ी मतलब अपने खिदमात ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें मुख्तलिफ मकातिब व फिक्र के लोगों को जमा किया और उन्हें इजहार इस्लाम के मौके फराहम किए ताकि मसाइल को हल करने और उन्हें नतीजे खेज बनाने में आसानी हो। उसकी खिदमात का एक अहम पहलू शाह वली अल्लाह अवार्ड है। यह अवार्ड उस्ताद इल्म दानिश और मुख्तलिफ मैदानों में नुमाया खिदमात अंजाम देने वालों को दिया जाता है। यह एक बावकार अवार्ड है। अब की बात आया इसने इस्लाम की दावत को मौजू बनाया और इस अवार्ड के लिए इस आजिश का इंतखाब किया। इसके लिए मैं इंस्टीट्यूट के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद मंजूर आलम और उसके जिम्मेदारों का शुक्रगुजार हूँ। इस साजिश को तसनीफी जिंदगी के आगाज ही से जिन मौजूदात से दिलचस्पी रही है उनमें दावत का मौजू ही है। इस पर उसकी 5 किताबें छप चुकी हैं। मारूफ और मुनकर में उसने दावत की मुख्तलिफ जहात पर खालिस इल्मी अंदाज से बहस की। बाज दूसरी किताबों में भी हसब जरूरत इस मौजू पर इजहार ख्याल किया है। इसके अलावा अपने खिताबात और तकरीरों में भी इस खिदमत की तरफ मुतवज्जे किया है। दावत की अहमियत के कई पहलू हैं। उसका एक पहलू यह है कि एक अहम दीनी फरीजा है। कुरान में कहा गया कुंतुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर व तुमनून बिल्लाह। मतलब ये कि ये उम्मत इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए और उनको राह राज दिखाने के लिए बरपा हुई है। अमर बिलमारूफ और नहीं अनिल मुनकर उसका दीनी फरीजा है। उसे बहरहाल उसका अंजाम देना होगा। इसमें कोताही और गफलत का कोई जवाब नहीं है। कुरान मजीद ने वजाहत की है कि दुनिया में जितने पैगंबर आए उन्होंने निशान कौम में खिताब किया वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसान कौमी लियुबय्यिन लहुम। इसका मकसद ये बताया कि इससे उनका मकसद मुद्दा और गर्ज़ो गायत अच्छी तरह वाज़े हो जाती है और उसके बाद आदमी उसको कबूल या रद्द करने में आज़ाद होता है। इस पहलू से इसकी खास अहमियत है। लेकिन हमारी मजबूरी ये है खास तौर पर साजिश की तो वो लिसान कौम से वाकिफ नहीं है। लिसान कौम से मुराद है मुखातब कौम की जुबान कल्चर तहजीब ख्यालात अफकार और उसके तारीखी पस मंजर से वाकिफ। आज के हालात में ये आसान नहीं मालूम होता। हिंदुस्तान का मामला ये है कि यहाँ एक कल्चर और एक जुबान नहीं है। मुख्तलिफ जुबानें हैं मुख्तलिफ कल्चर हैं मुख्तलिफ तहजीबें हैं और हर इलाके का खास जौक और रुझान है। उनका अदब और लिटरेचर है। हर इलाके की वजाकता और गजा लिबास मुख्तलिफ है। ये अल्लाह का करम है कि इस सिलसिले में मेरी किताबों के मुख्तलिफ जुबानों में तर्जमे मौजूद हैं और वो फैल भी रहे हैं। इस तरह निशान कौम से खिताब का मकसद किसी न किसी तौर पर हासिल हो रहा है। दूसरी बात ये
कि इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला यह है कि यहाँ बड़ी तादाद मुसलमानों को अपना हरीफ समझती है। अगर आप उसके हरीफ हैं तो वो आपको जेर करने की कोशिश करेंगे, आपकी बातों की तरफ उसकी तवज्जो नहीं होगी। हमें इस बात की कोशिश करनी होगी और समझाना होगा कि हम उसके हरीफ नहीं, खैर खां और हमदर्द हैं। हमें यह बताना होगा कि हमारे पास एक पैगाम है, इस पैगाम का आप सुनिए, इससे आपको अंदाजा होगा कि हम मुल्क के किसी भी तबके के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि अल्लाह का दीन आपके सामने पेश कर रहे हैं। जब तक ये दूरी खत्म नहीं होगी उस वक्त तक मुसलमानों के मसाइल हल नहीं होंगे। हम सियासी तौर पर अपने मुतालबात रखें तो वो उन्हीं हरीफ के मुतालबात समझेंगे, मजबूर होंगे तो किसी न किसी दर्जे में उन्हें तस्लीम भी कर लेंगे। लेकिन मुसलमान ये कह सकते हैं कि हम मुख्तलिफ मैदानों में आपसे पीछे, लेकिन हमारे पास आप तक पहुंचाने के लिए अल्लाह का पैगाम है, आप उसकी तरफ तवज्जो करें। ये बहुत जरूरी है, वरना हमारे मसाइल कभी इस मुल्क में हल नहीं हो सकते। ये बात कि हम दुनिया के सामने से पेश करें या मुल्क के सामने या उसके किसी खास तबके के सामने, ये सवाल बहरहाल बाकी रहेगा कि लोग उसे कबूल करते हैं या नहीं। कुरान मजीद की तालीम यह है कोई अल्लाह के दीन को कबूल करे या ना करे, ये उसकी मर्जी है, लेकिन बहरहाल हमें ये काम जारी रखना है, मुखातब को अल्लाह के दीन की दावत देना और यह बताना कि हम नौ इंसानी की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है, उसको मानना या ना मानना उनके इख्तियार में है। इसका इनकार है कि बाज़ इलाके और बाज़ तबकात आपकी बात की तरफ तवज्जो करें और बाज़ आपकी तरफ तवज्जो न करें, लेकिन हम इस काम से हम पीछे नहीं हट सकते। इसके बगैर मुल्क में मुसलमानों से जो नफरत और दूरी है वो ख़त्म नहीं हो सकती। ये हुक्म खुदावंदी भी है और हालात का तकाज़ा भी है। इस्लाम ने शुरू ही से बात बता दी कि ये फिक्र है, इसमें इंसानों की हिदायत का सामान है, लेकिन अल्लाह ताला ने किसी को मजबूर नहीं किया है। अल्लाह ने इंसान को फिक्र नज़र के लिहाज से आज़ाद पैदा किया है, उसे आज़ादी दी है और वो चाहता है कि ये आज़ादी बाकी रहे, और यही इंसान की इम्तियाजी खुसूसियत है, वरना उसका शुमार भी जमादात नमादात और ज्यादा से ज्यादा हैवानात में होता। कुरान मजीद ने शुरू ही से वो बात बता दी कि हक और बातिल वाजे कर दिया गया है, उसको कबूल करना या न करना आपके इख्तियार में है। सूरह ज़हर इब्तदाई दौर की सूरह है, इसमें कहा गया इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, हमने इंसान पर सीधा रास्ता खोल दिया, इसके बाद वो या तो अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा रहे और उसकी हिदायत पर अमल करें या नाशुक्री का रवैया अख्तियार करें, ये उसके इख्तियार में है। ये बात कुरान में बार बार दोहराई गई है, वो इंसान की आज़ादी को बहरहाल बाकी रखना चाहता है, रखा है। हमारी सारी कोशिश के बावजूद ये नहीं कहा जा सकता कि कोई तबका हमारी बात कबूल कर रहा है या नहीं कर रहा, और उसकी मुखालफत हो रही है या नहीं हो रही। इम्कान इस बात की भी हैं कि बाज इलाकों में लोगों की ताहिद हासिल हो और बाज जगह मुखालफत का सामना हो, लेकिन बहरहाल हम पर दावत दीन की जो जिम्मेदारी आयद होती है वो ये है कि मुल्क को ये बात समझाई जाए कि हम उसके हरीफ नहीं हैं बल्कि पैगाम के हामिल हैं, और आपसे इतनी गुजारिश है कि आप उसको सुने और उस पर गौर करें। मेरा ख्याल है कि दावत का यह अमल बहुत तवील अमल है। ये मुल्क तकरीबन 140 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल है, जो मशरिक से मगरिब और शुमाल से जनूब तक कई हजार किलोमीटर पर फैली हुई है। इसमें कौन लोग और किस तबके के लोग इस्लाम की तरफ तवज्जो करेंगे, इसका फैसला पहले से नहीं किया जा सकता। हो सकता है कहीं उसका इस्तकबाल हो और कहीं उसकी मुखालफत हो, किसी खास हलके को देख कर हम कोई फैसला नहीं कर सकते। बहरहाल ये अल्लाह ताला का हुक्म है और उस पर अमल करना हमारी जिम्मेदारी है, दुनिया उसे कबूल करे या न करे, ये इस मुल्क की खैरखाही है और दुनिया वालों के साथ भी खैरखाही है। इस मौके पर मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने ये एजाज़ बख्शा। इसके बाद मैं डॉक्टर मोहम्मद मंजूर आलम चेयरमैन और इंस्टीट्यूट के कार्यक्रमों का शुक्रगुजार हूँ
कि उन्होंने सवाब के लिए साजिश का इंतखाब फरमाया, जिस मोहब्बत का इजहार आप हजरत की तरफ से हुआ है उसका इजहार जरूरी नहीं होता है। वाखिर जमाना बहुत बहुत शुक्रिया हजरत मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी साहब। हजरात गिरामी, अभी हम लोग मौलाना के कीमती इरशादात से मुस्तफीद हो रहे थे। सच ये है कि इस वक्त मिल्लत इस्लामिया हिंदिया में जो चंद शख्सियात मरकज सकल के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं उनमें बहुत नुमाया नाम मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी का है। इन्हीं शख्सियात के लिए महशर इनायती ने कहा था कि हकीकत हकीकत कहाँ मेरे बाद के उभरेंगी परछाइयाँ मेरे बाद, तमाशाइयो चुन के रख लो इन्हें तबर्रुक हैं ये धज्जियाँ मेरे बाद। और मिसालों में जिक्र वफा आएगा, मिसालों में जिक्र वफा आएगा, चलेगी मेरी दास्तां मेरे बाद। अब इसके बाद मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरमा फरीदा हुसैनी से। असल में इंस्टीट्यूट ऑब्जेक्टिव स्टडीज जिस मौजू के तहत शाह वलीउल्लाह अवार्ड देता है उसी मौजू से मुतालिक एक मौजू तय करके उस पर स्कॉलर्स को मकाला निगारी की दावत दी जाती है। शाह वलीउल्लाह अवार्ड हासिल करने वाली शख्सियत की खिदमत में 1,00,000 रुपए का एजाजिया पेश किया जाता है और ये जूनियर अवार्ड जो मकाला निगारी का है इसमें कामयाब होने वाले और मुंतखब स्कॉलर की खिदमत में 25,000 रुपए का एजाजिया इंस्टीट्यूट और उसके साथ सर्टिफिकेट पेश करता है। इस साल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे नफ्सियात की रिसर्च स्कॉलर मोहतरमा फरीदा हुसैनी के मकाले को बेहतरीन मकाले के तौर पर मुंतखब किया गया और उनकी खिदमत में उनका अवार्ड भेज दिया गया है। वो हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। मोहतरमा फरीदा हुसैनी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं सबसे पहले डॉक्टर मंजूर आलम साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म उन्होंने हमें दिया है, स्कॉलर्स को स्पेशली दिया है कि हम अपने ख्याल जो हैं वो दुनिया के सामने रख सकें, स्पेशली जब इस्लाम की बात आती है। बिकॉज आज के टाइम पे मुझे लगता है कि इस्लाम में आज की जनरेशन को बेसिक समझने की बहुत ज़रूरत है। जहाँ पे ऊपर वाले ने हमें ये काबिलियत दी है कि हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं, हमें फ्री विल दिया है, तो वहाँ पे आजकल की जनरेशन जो है वो बहुत सारे फैसले ऐसे कर लेती है जहाँ पे उनको आगे का रास्ता समझ में नहीं आता। बट इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ ने एक ऐसा अवार्ड निकाल के, एक मोटिवेशनल अवार्ड निकाल के स्कॉलर्स को इन्वॉल्व करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पे हम हमारे ख्यालात को जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो डेफिनेटली अ बिग थैंक्स टू डॉक्टर मंजूर आलम साहब, प्रोफेसर एम अफजल वानी साहब कि उन्होंने ऐसा कुछ हमारे लिए प्लेटफॉर्म जो है वो निकाला है। इस अवार्ड को मैं एक इंसान के साथ और शेयर करना चाहूँगी, वो मेरी सुपरवाइज़र हैं प्रोफेसर नशीद इम्तियाज़, क्योंकि उन्होंने ही मुझे बहुत मोटिवेट किया इस ऐसे के लिए लिखने के लिए। बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं थी इस चीज़ के लिए, बट आई एम रियली हैप्पी दैट शी मेड मी डू इट, बिकॉज मुझे आइडिया हुआ, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि आज के टाइम पे हम इस्लाम को कितना इजीली फॉलो कर सकते हैं, कितना अच्छे से फॉलो कर सकते हैं और अपनी लाइफ को कितना बेटर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया ये अवार्ड के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस हौसला अफजाई के लिए कि मुझे भी एक नया नज़रिया मिला चीज़ों को देखने का। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा फरीदा हुसैनी साहिबा। हजराते गिरामी, इसके बाद चंद अहम शख्सियात जो मेहमाना ने खुसूसी के हैसियत से हमारे साथ मौजूद हैं उनके ख्यालात को सुनने का वक्त है। उनमें सबसे पहले मिल्लत इस्लामिया हिंदिया के कायदे आला हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद राबे हसनी नदवी का इसमें गिरामी है।
हमें बहुत खुशी है कि हजरत मौलाना तशरीफ ले आए हैं और शाहुलिल्लाह अवार्ड बोर्ड के मौक्कर रुकन भी हैं मौलाना। और हुस्न इत्तेफाक ये कि मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी साहब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड के नायब सदर हैं, तो हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद राबे हसनी साहब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड के सदर हैं। मैं बहुत ही अदब एहतराम के साथ इस शेर के साथ मौलाना से गुजारिश कर रहा हूं कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जां पुरसोज, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जां पुरसोज, यही है रख्ते सफर मीरे कारवां के लिए। इस शेर के साथ में हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद राबे हसनी नदवी से गुजारिश कर रहा हूं कि बराहे करम अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। सादत की बात है, जो टॉप के लोग हैं हिंदुस्तान के उनके साथ बात करने का मौका है, बात अल्लाह का करम मिले मौला, बड़े लोग हैं। आप ऐसी बोलेंगे आप नहीं, उसमें आवाज हम लोग सुन रहे हैं हजरत, आप इरशाद फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के ये बड़ा आवाज नहीं आ रही है अमीन भाई, जरा आवाज साफ कर दीजिए। हजरत की आवाज नहीं आ रही है, बराए करम माइक या मोबाइल सही कर दें। जी तो फहम अल्लाह ताला ने इस उम्मत के अफराद में बहुत लोगों को वो फहम अदा फरमाई है कि इस फहम के जरिए से वो जिंदगी की हकीकतों को जो वाकई हकीकतें हैं उनको समझने की सलाहियत रखते हैं और उसको समझने के बाद वो उसके लिए जो उसको सही लाइन पर रखने की जो कोशिश हो रखती है उसको अंजाम देते हैं। ये हमारी आप देखते हो स्टडीज का काम बहुत काबिल कदर है जो सामने आता रहता है और हकीकत में वो इस्लामी फिक्र को पेश करते हैं और ऐसे लोगों से का ताउन उनको हासिल है कि जो इन चीज़ों के दर्क रखते हैं, सलाहियत रखते हैं और अगर अच्छा उन्होंने इस तरीके से थोड़ा सरमाया तैयार कर दिया है उसकी किताबों को देखकर और उनके मामिन के काम को देखकर बड़ी कदर होती है। और हमारे उसके मुआसिर जो डॉक्टर मंजूर आलम साहब हैं उनकी उनकी जो दानिशवरी है, दानिशमंदी है और उनकी जो कारकर्दगी है उसको वो कदर की निगाह से देखना होता है। अब ये सिलसिला जो शाह वलीउल्लाह अवार्ड का है ये बहुत मुनासिब सिलसिला है, इसलिए कि इस मुल्क में जो असर डाला है शाह वलीउल्लाह साहब ने और जो फिक्र दिया है और एक एक नया सिलसिला शुरू किया, बहुत से दानिश्वर जो दीनी समझ रखते हैं और दीन के लिए काम करते हैं उनको शाह वलीउल्लाह साहब के अफकार से और उनकी तस्वीर से बहुत ही मदद मिली है और रहनुमाई हुई है। तो ऐसी शख्सियत जो कम पैदा होती है और नादिर शख्सियत होती है और उससे मुल्क को उसके मुसलमानों को बहुत फायदा पहुंचा। हमारे मुल्क इन बड़ी शख्सियतों के जरिए से जो फिक्र बुलंद रखते थे और जिन्होंने अपनी फहम से बहुत फायदा पहुंचाया ये मुतादी शख्सियतें इस मुल्क में पैदा हुई और यहाँ इस्लाम के बका हकीकत में इन लोगों की कोशिशों और मेहनतों से हुआ है और कायम है।
हमें उसकी कदर करनी चाहिए और उससे जो हम इस्तेफादा कर सकते हैं, उससे जो हम फिक्र बलंद हासिल कर सकते हैं वो हासिल करना चाहिए। और जो लोग इस लाइन में काम कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, उनकी भी कदर करनी चाहिए। उन्हीं में ये इंतखाब जो आज हमारे सामने है मौलाना सैयद जलालुद्दीन ओवैसी का, कि जिन्होंने जुनूबी हिंद के में तालीम हासिल की, वहीं पैदा हुए, लेकिन उन्होंने दोनों लाइनों के इल्म को हासिल किया और उससे जो नतायज अर्ज किए, उन नतायज को उन्होंने अपनी तकरीफा में पेश किया, जिनकी तादाद 4 दर्जन से ज्यादा है और वो सिलसिला कायम है। उसमें उन्होंने फिक्र को पेश किया और उस फिक्र को के जो उनके नजदीक इस अहद में काबिल तवज्जो है और काबिल इस्तेफादा है। हकीकत में जो उन्वान इस मीनार का है, जिसमें उनको अवार्ड दिया जा रहा है, वो है दावत का सिलसिला, दावत का काम। और अगर गौर किया जाए कुरान मजीद के मुताले से और हदीस शरीफ के मुताले से, तो इस्लाम हकीकत में दावती मजहब है। इसको इस्लाम को जो अल्लाह ने बड़ी खूबसूरत अता फरमाई है, वो ये इसकी अहमियत दावत की अहमियत है। और अमली तौर पर देखने से मालूम होता है कि दावत का काम जितना किया गया 1500 साल के अंदर, उसी हिसाब से इस दीन को मजबूती हासिल हुई, इस दीन को तरक्की हासिल हुई और इस दीन की में मजबूती पैदा हुई। और ये सिलसिला माशाल्लाह कायम है कि ऐसे अफराद पैदा होते रहते हैं कि जो फिक्र बलंद को सामने रखकर कोशिश करते हैं, काम करते हैं और कुरान और हदीस से फायदा उठाकर इस्लाम की दावत को मजबूत बनाते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो ये उन्वान भी बहुत अच्छा उन्वान है, जो शाह वहीदा साहब की नस्बत का उन्वान है। और उसके लिहाज से वो लोग जो काम कर रहे हैं और इसे दीन की मजबूती और दीन की तकवीत हासिल हो रही है, उनकी भी ये कदरदानी होती है। और ये कदरदानी जो है बहुत अहम चीज है। कदरदानी की वजह से आदमी में हिम्मत बढ़ती है और वो मजीद काम अंजाम देता है। हमारे डॉक्टर मौलाना सैयद जलालुद्दीन ओवैसी साहब ने जो मेहनत की है और जो उन्होंने फिक्री किताबें लिखी हैं और जो नजरियात पेश किए हैं, वो उनके मेहनत का नतीजा है। और हम समझते हैं कि उससे लोगों ने फायदा उठाया होगा। और जलालुद्दीन साहब ने काम किया दीन की तफियत का, उसका इंशाल्लाह उनको अजर मिलेगा। और उसके साथ साथ ये है कि उनको इनाम देना, उनको और देना जो है, ये भी कदर की निगाह से देखा जाएगा कि इस तरीके से उनकी हिम्मत अफजाई होगी और वो और मजीद काम अंजाम देंगे। वो इस वक्त एक बड़ी शख्सियत की हैसियत से हमारे सामने है, हमारे बोर्ड के वो नए सदर हैं और जो उसके फलाह के वो सदर हैं और इस तरह इस्लामी के भी सदर रह चुके हैं और मुख्तलिफ इदारों के वो सरबराह हैं। उसके साथ साथ उन्होंने दुनिया को अच्छा समझने की कोशिश की है, दौरे किए हैं, उन्होंने बाहर के मुल्कों में गए हैं। हकीकत ये है कि इस वक्त इस्लाम को मुकाबला करना पड़ रहा है मगरबी फिक्र का। मगरब ने जो फिक्र हमको रखा है वो इस्लाम से टकराता है, इस्लाम की फिक्र से टकराता है। और उसको लगी टकराना ऐसा नहीं है कि हम सरसरी तौर पर उसको कह दें, बल्कि हमको उसको समझना भी चाहिए और समझ कर उसमें जो नक्श है उसको वाजह करना चाहिए, ताकि हम इस अहद की जो तरक्यात हैं उनसे भी हम दूर ना हों, लेकिन ये हम इस अहद के खतरात को भी समझें और उसके फायदों को भी समझें। फायदों से खाली नहीं, तो इसलिए दोनों चीज़ों को समझने की सलाहियत भी होनी चाहिए और उसके लिहाज से ऐसा हम
जो हल जो उसने फिक्र इस्लामी में नाम पैदा किया है और काम किया है, वो इस काम को अंजाम दे रहे हैं और हमारे नौजवानों को वो जो फिक्र इस्लामी को सही लाइन में रखने के ऊपर रखने की कोशिश कर रहे हैं उनको मदद पहुंचा रहे हैं, उनको फायदा पहुंच रहा है। हम जलालुद्दीन साहब हमारी को भी मुबारकबाद पेश करते हैं कि उनके कामों की कदर की जा रही है और उनके जरिए से जो तफियत है जो फिक्र बुलंद हासिल हो रहा है वो समझने से उम्मत को फायदा होगा इंशाल्लाह, उम्मत को निगरानी मालूम होगी। मैं डॉक्टर मंजूर आलम साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनकी कोशिशों बहुत बहुत शुक्रिया हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद राबे हसनी नदवी साहब, हम आपके बहुत शुक्र गुजार हैं कि आपने अपना कीमती वक्त हमें अता फरमाया और आपने बहुत कीमती बातें बहुत रहनुमा बातें हमारे सामने इरशाद फरमाई और बिलखसूस हम लोगों ने दो बड़ी मुआसिर शख्सियात का एक मुआसिर का दूसरे के साथ क्या मामला होना चाहिए और उसकी शुक्र और उसकी कदर के मुतालिक क्या एहसासात होने चाहिए उसका भी दर्स हमने लिया, इसके लिए हम आपके बहुत शुक्र गुजार हैं। अब इसके बाद मैं गुजारिश कर रहा हूँ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड के तर्जुमान और सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी साहब से कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी साहब जी, हजरत आपका माइक म्यूट है, आप म्यूट है मौलाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, मोहतरमुल मकाम जनाब डॉक्टर मंजूर आलम साहब, हम सब के बुजुर्ग हजरत मौलाना जलालुद्दीन उमरी साहब और इस बावकार मजलिस के हाजरीन और नाजरीन, बड़ी खुशी की बात है कि आज 14वें शाह वलीउल्लाह अवार्ड की तकरीब मुनक़िद हो रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो सुन्नतें हैं, हजरत दोबारा आपका माइक म्यूट हो गया है, अनम्यूट कर लीजिए। मैं अर्ज कर रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो सुन्नतें हैं, एक सुन्नत उन बाकमाल लोगों से मुतालिक जो दुनिया से गुजर चुके हैं और दूसरी सुन्नत उन बाकमालों के लिए जो दुनिया में मौजूद हैं। जो लोग दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उज़्कुरू महासिन मौताकुम, अपने पेशरों लोगों के गुजरे हुए लोगों के उनके खूबियों को उनके कमालात का जिक्र करो ताकि लोग उससे रोशनी हासिल करें। जो लोग मौजूद हैं अल्लाह ने उनको हमारे साथ बाकी रखा है और वो दीन की और इंसानियत की बेहतर खिदमत कर रहे हैं, उनके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है एतराफ़ खिदमत की। हदीस में एक मुस्तकिल बाब किताबुल मनाकिब का है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुख्तलिफ सहाबा और रफ़ा की जो तारीफ़ की, उनकी खूबियाँ बयान की, उनकी खिदमात का एतराफ़ किया, उनके कमालात का जिक्र फरमाया, उनको जो हदीस की किताबों में जमा किया गया है उसको किताबुल मनाकिब के नाम से मौसूम किया जाता है और कसरत से
आप को हदीस में देखेंगे कि मुख्तलिफ सहाबा के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी खूबियों का जिक्र किया है। तो मैं समझता हूँ कि यह अवार्ड दरअसल इसी सुन्नत पर अमल करने की कोशिश है कि जिन लोगों ने दीन की खिदमत की, इंसानियत की खिदमत की, इल्म की खिदमत की, हम उनकी खिदमात का एतराफ़ करें। इसका मकसद उनका एजाज़ भी है और इसका मकसद दूसरे लोगों के अंदर हौसला पैदा करना भी है। इस वक्त ये जो अवार्ड जिस मौजू के लिए दिया गया है वो बड़ा अहम मौजू है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल यदुल उलिया खैरु मिन अल यदिस सुफला, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। अगर आज हम दुनिया के नक्शे पर नज़र डालें तो मुसलमान कौम इस मुल्क में हो या पूरी दुनिया में मुसलमान मुल्क हो, वो इतनी बड़ी माशी कुवत नहीं है कि वो दूसरों को दे सके। अगर आप इल्म और टेक्नोलॉजी के अतबार से देखें तब भी आज मुसलमान और मुस्लिम ममालिक इस पोजीशन में नहीं है कि वो दूसरों के लिए देने वाला हाथ बने, उनके पास खुद लेने वाला हाथ, पूरी दुनिया से वो इल्म और टेक्नोलॉजी को हासिल करने और उनकी मसनूआत को हासिल करने करके अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो अगर हमको देने वाला हाथ हासिल करना है तो उसका एक ही रास्ता है, दावत। दीन एक ऐसी चीज़ है, हिदायत एक ऐसी चीज़ है जिसमें अल्लाह ताला ने आखिरत की भलाई भी रखी है और दुनिया की भलाई भी रखी है। यही एक ऐसी चीज़ है जो हम दुनिया के कौमों को दे सकते हैं। मालदार से मालदार कौम हो, ताकतवर से ताकतवर कौम हो, हम ये दौलत हम उनको देने के मौके में हैं। अल्लाह ने हमको इसका अमीन बनाया है तो यह बड़े अच्छे मौजू का इंतखाब किया गया है और ये वाकई ये बिल्कुल सही है कि हज़रत मौलाना जलालुद्दीन उमरी साहब, उनके कलम में, उनकी तहरीरों में, उनकी किताबों में हर जगह दायाना रंग पाया जाता है। मैं इस मौके से उनकी दो खूबियों का जिक्र करूंगा, उनकी किताबों से हम सब वाकिफ हैं। एक बात तो ये है कि इस वक्त बदकिस्मती से मुसलमान अपने दुश्मनों के दानिस्ता या नादानिस्ता आलेकार बने हुए, उसकी एक शक्ल यह है कि हम दीन की वकालत करने के बजाय हम लोगों ने मसलक की वकालत करना शुरू कर दिया। दीन की दावत देने के बजाय हम लोगों ने अपने अपने मसलक की दावत देना शुरू कर दिया। तो इसका नतीजा ये हुआ कि हम जिस मकसद के लिए पैदा किए गए थे, अमर बिलमारूफ नहीं अल मुनकर, उस मकसद से हम हट गए और इसलिए अल्लाह ताला की मदद भी हमसे रूठ गई। तो मौलाना की तहरीरों में मैंने देखा कि हर जगह दावत अल दीन है, कहीं भी दावत अल मसलक का तो दूर की बात है, उसका शायबा भी उनके तहरीरों में नहीं पाया जाता। ये बड़ी अहम बात है और आज के दौर में उलमा को और इस्लाम की तर्जुमानी करने वाले लोगों को इस पहलू पर तवज्जो देनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि मौलाना की जो किताबें हैं उसमें इस्लामी उलूम से भी इस्तफादा किया गया है, तारीख से भी इस्तफादा किया गया है, मौजूदा दौर के उलूम से भी इस्तफादा किया गया है, दूसरे मजाहिब की किताबों से भी फ़ायदा उठाया गया है। लेकिन असल जो माखज होता है आपके हर बहस का वो कुरान और हदीस। जो किसी ख़ास मसलक, किसी ख़ास मकतब फ़िक्र के जो उलमा हैं उनसे भी इस्तफादा करते हैं, लेकिन
हर बात को कुरान और हदीस को बुनियाद बनाकर पेश करते हैं, यानी आपके तहरीरों में असालत है, जो कुछ कहें उसका कुरान से रब, उसका हदीस से रब, तो ये बड़ी अहम बात है और ये अहले इल्म की शान होनी चाहिए कि इस्तफादा तो सबसे करें, लेकिन हमारा जो असल इल्मी सरचश्मा है उस सरचश्मे से हमारा रिश्ता टूटने न पाए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये हक बहकदार रसीद के मिस्ताक है मौलाना को जो ये अवार्ड दिया गया। आखिर में बात यह अर्ज़ करता हूँ कि इस अवार्ड का नाम शाह वली अल्लाह साहब से यह अवार्ड मौसूम है। अभी हजरत मौलाना साहब दामत बरकातहू ने फरमाया कि शाह वली अल्लाह साहब के अफकार की कितनी अहमियत है इस्लाम की तजदीद के में और ख़ास कर इस्तेयार में इस्लाम की हिफाजत और उसकी ताबीर में। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हिंदुस्तान में अहले सुन्नत वल जमात के जितने मकातिब फ़िक्र हैं सब अपनी नस्बत शाह वली अल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की तरफ करते हैं। हर हलके की जो सनद हदीस है वो शाह वली अल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह से गुजर कर ऊपर जाती है। लेकिन यह बात गौर करने की है कि हम में से कितने लोग वाकई फ़िक्र वली अल्लाह पर कायम। मुझे तो यह अंदेशा है कि जो लोग हज़रत शाह वली अल्लाह साहब की तरफ अपनी नस्बत करते हैं अगर उन्हीं में से कोई 100% शाह साहब के मसलक को ले लें तो लोग उनको अपनी जमात और अपने हलके से बाहर कर देंगे। तो ये एक अफसोसनाक हकीकत है। शाह वली अल्लाह साहब के मसलक में तवस्सुत था, शाह वली अल्लाह साहब के मसलक में एतदाल था, शाह वली अल्लाह साहब की तमाम मेहनतों का और इल्मी जद्दोजहद का खुलासा यह था कि दीन को इंसानी मसलहतों से हमाहंग करके पेश किया जाए। शाह वली अल्लाह साहब की फ़िक्र यह थी कि मसलकी तंगनाइयों से और जुज़ियात और छोटी छोटी बातों के इख्तलाफ और उसमें शिद्दत से बाहर निकला जाए और तवस्सो को और दीन के अंदर कुरान और हदीस के दायरे में रहते हुए हमारंगी को गवारा किया जाए। लेकिन गौर करने की बात है कि क्या हम लोग आज इस फिक्र पर कायम हैं, क्या हम अपनी अमली ज़िंदगी में, अपनी इल्मी और कलमी ज़िंदगी में, अपनी दरसगाहों में, अपने हलकों में क्या वाकई हम इस पर कायम हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जो शाह साहब से मंसूब यह अवार्ड है ये इंशाअल्लाह लोगों के अंदर हकीकी वलीउल्लाही फ़िक्र को उजागर करने में मुमिद मुआविन होगी। और मैं तो मुंतज़मीन से ये भी दरख्वास्त करूँगा कि जब आप ये अवार्ड का प्रोग्राम रखें तो एक मकाला या एक खिताब ख़ास फ़िक्र वलीउल्लाही पर होना चाहिए कि शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक्र की अहमियत क्यों है और उनकी फ़िक्र है क्या जिसको आज हम अपने लिए मशअल राह बनाएं। मैं इस मौके पर बेहद दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ बुज़ुर्ग आलिम दीन हज़रत मौलाना जलालुद्दीन उमरी साहब दामत बरकातहू को। अल्लाह ताला तादेर उनका साया उम्मत इस्लामी पर कायम रखे और मोहतरम अल-मकाम जनाब डॉक्टर मंजूर आलम साहब को कि उन्होंने इतने बेहतर अवार्ड के का सिलसिला कायम किया और उसके लिए इतना बेहतर इंतखाब फरमाया। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी साहब, आपने दावत इस्लामी और ख़ास तौर पर फ़िक्र वलीउल्लाही के मुतालिक जो बातें इरशाद फरमाई वो वाकई बहुत ज़्यादा हम सब के लिए और पूरी उम्मत के लिए बहुत उनको दावत फ़िक्र देने वाली हैं, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। मैं तस्करतन अर्ज़ करना इज़र मुनासिब समझता हूँ कि इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ के ज़ेर एहतमाम दो बड़े मनसूबे अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी से मुतालिक चल रहे हैं। उनमें से एक मंसूबा कलिमतुल्लाह अल-उलिया के उन्वान से है
जिसके तहत 122 मौजूआत पर इस्लाम के अकायद, मामलात, इबादात, इन तमाम मौजूआत 122 मौजूआत तय किए गए और उन पर सबसे पहले उर्दू में लिखने का काम मुकम्मल हो गया और ये फैसला किया गया कि इंशाअल्लाह उसका तर्जुमा, उन तमाम किताबचों का तर्जुमा मुल्क की 18 जबानों में, मकामी जबानों में कराया जाएगा, जिनमें से हिंदी और अंग्रेजी को तरजीह दी गई है। हिंदी पर तर्जुमे का काम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका है और खुद हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की सरपरस्ती भी हमें उस मंसूबे में हासिल है। इसी तरह दूसरा मंसूबा वलकत करमना बनी आदम के उनवान से इस्लाम को इंसानियत के वसी तर सियाक में समझने की एक कोशिश के तौर पर 50 मौजूआत तय किए गए और अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के मुख्तलिफ अहम स्कॉलर्स से उर्दू जबान में उन पर मुख्तसर किताबचे लिखने का काम हो चुका है। अब उनको भी उसी तरह से मुल्क की 18 जबानों में मुंतकिल किया जाना है। इसके बाद मैं गुजारिश कर रहा हूँ अमीर जमात इस्लामी हिंद जनाब सैयद सादतुल्लाह हुसैनी साहब से कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। जनाब सैयद सादतुल्लाह हुसैनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम सदर इजलास डॉक्टर मंजूर आलम साहब, हजरत मौलाना जलालुद्दीन उमरी साहब, इस इजलास के मुअज़्ज़ज़ मेहमानान खुसूसी और मोहतरम सामईन भाइयों और बहनों, ये हम सब के लिए बहुत खुशी का मौका है कि मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी साहब को दावत इस्लामी के मौजू पर शाह वलीउल्लाह अवार्ड दिया जा रहा है। इस अवार्ड के मुंतजमीन और उसकी इंतखाबी कमेटी ने इस अवार्ड के लिए बजा तौर पर एक ऐसी शख्सियत का इंतखाब किया है जिसकी खिदमात का दायरा दावत इस्लामी के तमाम मैदानों का इहाता करता है। तो इस हुस्ने इंतखाब पर अवार्ड के मुंतजमीन और इंतखाबी कमेटी मुबारकबाद की मुस्तहिक है। IUS और उसके चेयरमैन डॉक्टर मंजूर आलम साहब और दीगर जिम्मेदारान हम सब के शुक्रिया के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने उम्मत की अजीम शख्सियात के कारनामों को नुमायां करने और नई नस्ल के सामने अच्छे नमूने लाने के लिए इस अवार्ड के सिलसिले का आगाज किया है। तो IUS के इल्मी और तहकीकी कामों के साथ साथ अवार्ड्स के ये दोनों सिलसिले यानी शाह वलीउल्लाह अवार्ड और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इन्होंने भी उम्मत मिलत इस्लामिया हिंद की हालिया तारीख पर यकीनन बड़े मुस्बत असरात डाले। अल्लाह ताला इन कोशिशों का अजर अजीम अता फरमाए और IUS की कोशिशों को मजीद नतीजा खैज बनाए। इस्लाम की दावत इस मुल्क में करने का अहम तरीन काम है। अभी मौलाना जलालुद्दीन उमरी साहब ने, मौलाना राबे साहब ने, मौलाना खालिद साहब ने, इन सब ने इस काम की अहमियत पर रोशनी डाली है। तो मैं समझता हूं कि एक ऐसे वक्त में जबकि इस फरीजे की अहमियत पूरी कुव्वत से सामने आ रही है, तो IUS ने बजा तौर पर टाइमली इसे शाह वलीउल्लाह अवार्ड के लिए मरकजी मौजू करार दिया है। दावत दीन के सिलसिले में मौलाना जलालुद्दीन उमरी साहब की खिदमात हमा पहलू और हमागीर हैं। आपकी खिदमात का ताल्लुक दावत के इल्मी और फिक्री महाज से भी है और अमली महाज से भी है, और इल्म और अमल के दोनों महाजों पर कई जैली महाजों से भी है। इल्मी सतह पर पहली जरूरत यह है कि दावत दीन के काम की अहमियत वाजे की जाए और इस काम का तरीका और सलीका वाजे किया जाए। तो मौलाना मौसूफ की बेशुमार इल्मी काविशें जरूरत की तकमील करती हैं। ऐन नौजवानी में आपने मारूफ और मुनकर जैसी आलमाना किताब तसनीफ फरमाई। इसमें अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के पुरानी हुक्म की जिस शराह बस्त के साथ और तमाम ज़ेली तफसीलात के साथ वजाहत मिलती है, उसकी नज़ीर बहुत कम हमको मिलती है। यही वजह है कि बरसों से यह किताब उर्दू के अलावा अरबी, तुर्की और दीगर कई जुबानों में मुसलसल शाये हो रही है। इसी तरह इस्लाम की दावत जिसका कदर तफसीली एडिशन हाल ही में शाये हुआ है,
ये किताब भी दावत इस्लामी के मौजू पर एक ग्राम कदर इजाफा है। इसके अलावा मौलाना के दर्जनों किताबचे इस मौजू पर मौजूद हैं कि दौरे हाजिर में दावत दीन की क्या अहमियत है और इसके लिए क्या तरीका होना चाहिए। दावत दीन के महाज पर एक बड़ी इल्मी जरूरत यह है कि इस्लाम का दलाइल के साथ तारुफ कराया जाए और मोतरजीन और गलतफहमियों के शिकार अफराद के शकूक को दलाइल के साथ दूर किया जाए। यह महाज भी मौलाना की खिदमात का नहायत अहम महाज रहा है। अकाइद और तसव्वुरात पर खुदा और रसूल का तसव्वुर इस्लामी तालीमात में यह मौलाना की एक बड़ी अहम किताब है। इस्लाम और मुश्किलात हयात, इस तरह की कई गिरा कदर तसनीफात मौलाना के कलम से निकली। तसव्वुर जिहाद पर हाल ही में एक बड़ी अहम किताब अहकाम हिजरत और जिहाद के उनवान से आई है। इंसान और उसके मसाइल नामी किताब में दौरे जदीद के कई अहम इश्यूज पर इस्लामी मौकफ को दिलनशीन दलाइल के साथ वाज़े किया गया है। और जहां तक इस्लामी माशरत का ताल्लुक है, वो तो मौलाना का खास मैदान रहा है। औरत इस्लामी माशरे में औरत और इस्लाम, मुसलमान औरत के हकूक और उन पर एतराजात का जायजा, इस्लाम का आइली निज़ाम, ये किताबें उर्दू जुबान में अब इस मौजू पर मकबूल तरीन और मुस्तनद तरीन किताबों में शुमार होती हैं। तीसरा अहम इल्मी महाज यह है कि दावत दीन का काम करने वालों के लिए जरूरी है कि वह गैर मुस्लिम समाज से एक मुस्बत, ईजाबी और बामकसद ताल्लुक कायम करें। इस ताल्लुक की सही तरबियत दावत दीन की एक बड़ी अहम जरूरत है। मौलाना ने बड़ी खूबसूरती से इस अहम जरूरत को भी एड्रेस किया है। इस हवाले से खास तौर पर तीन किताबों का मैं जिक्र करना चाहूंगा। पहली किताब गैर इस्लामी रियासत और मुसलमान, यह बड़ी अहम किताब है। इसमें दावत दीन को बुनियादी काम बावर कराते हुए गैर इस्लामी रियासत में मुसलमानों के बहुत से मसाइल और दरपेश उमूर को एड्रेस किया गया है। दूसरी किताब गैर मुस्लिमों से ताल्लुकात और उनके हुकूक, यह भी अपने मौजू पर तफसीली और मौजू के हर पहलू का इहाता करने वाली किताब है। और तीसरी किताब इस्लाम में खिदमत खल्क का तसव्वुर है। मैं समझता हूं कि इस किताब के मजामीन का भी दावत दीन की अमली जदोजहद से बड़ा गहरा ताल्लुक है। इस तरह मौलाना ने दावत दीन के तीनों अहम इल्मी तकाजों को एड्रेस किया है। इन दिनों एक इस्तिलाह का बड़ा चलन है, फिकुद दावा। मौलाना ने इस पहलू से भी इस्लामी लिटरेचर में बेश कीमत इजाफे फरमाए। ये तो मौलाना की इल्मी खिदमात हैं, लेकिन मौलाना की अहम खसूसियत यह है कि उनका काम सिर्फ इल्मी काविशों तक महदूद नहीं है। वो इल्म ज्यादा मोतबर होता है जिसकी पुश्त पर तवील अमली तजुर्बात हों, और वो अमल ज्यादा पुख्ता और कारगर होता है जो गहरे इल्म शऊर की बुनियाद पर उस्तवार हो। मौलाना की दावती तसानीफ के साथ आपका तवील दावती तजुर्बा वाबस्ता है और इस तजुर्बे के साथ गहरा इल्म वाबस्ता है। आप तीन चार दहों से मुख्तलिफ सतहों पर इस मुल्क की एक अहम दावती तहरीक की क्यादत फरमा रहे हैं। यहाँ जमात इस्लामी हिंद के मरकज में एक तरीका यह है कि अमीर जमात के साथ मुख्तलिफ नायब उमरा होते हैं जो मुख्तलिफ शोबों की निगरानी करते हैं। जब तक मौलाना अमीर जमात रहे, उन्होंने शोबे दावत की निगरानी अपने पास रखी और खुद उसकी निगरानी फरमाते रहे। तो दावत आपकी अमली दिलचस्पी का भी हमेशा मौजू रहा है। तो इस तरह दावत दीन के मौजू पर शाह वलीउल्लाह अवार्ड के लिए खुशकिस्मती से आज एक ऐसी शख्सियत मयसर है जिसकी खिदमात दावत दीन के मुख्तलिफ इल्मी और अमली दोनों तरह के शोबों का इहाता करती है। तो मैं इसके लिए मौलाना को मुबारकबाद पेश करता हूं और डॉक्टर मंजूर आलम साहब, IOS और अवार्ड कमेटी के दीगर अरकान को भी मुबारकबाद पेश करता हूं और दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला मौलाना को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाएं, उनका साया दराज फरमाएं। हम सबको और पूरी उम्मत को मौलाना की रहनुमाई से कस्बे फैज की तौफीक अता फरमाएं और ख़ास तौर पर दावत दीन के सिलसिले में मौलाना की गिरां कदर रहनुमाई से फ़ायदा उठाकर इस अजीम फरीजे की अंजामदही के लिए आगे बढ़ने की तौफीक अल्लाह ताला हम सबको, पूरी उम्मत को अता फरमाएं, आमीन। मुझे यह मौका अता करने के लिए भी मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैरा, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया
जनाब सैयद सादुल्लाह हुसैनी साहब। अब इसके बाद मैं गुजारिश कर रहा हूं हिंदुस्तान के मारूफ इस्लामी दानिश्वर और मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट जोधपुर के सदर प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब से कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। प्रोफेसर अख्तरुल वासे, प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब आपकी वीडियो और ऑडियो दोनों बंद है, अगर कोई वहां पर मौजूद है बराए करम तो खोल दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रब्बुल आलमीन है, रहमान रहीम है, मालिक यौमिद्दीन है, हम जिसकी इबादत करते हैं और जिससे मदद चाहते हैं। दुरूद सलाम उसके नबी बरहक सैयदुल मुरसलीन खातिमुन नबीन शफीउल मुज़नबीन रहमतुल लिल आलमीन गुंबद खिदरा के मकीन जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आल और असाब पर। काबिले सद एहतराम डॉक्टर मंजूर आलम साहब, चेयरमैन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज न्यू दिल्ली, आज के हमारे मंदूब जनाब मौलाना जलालुद्दीन उमरी साहब मद्दिज़िल्लाहुल आली, हज़रत मौलाना राबे साहब, उस्तादुल असातिज़ा प्रोफेसर जेड एम खान साहब, मोहतरम सैयद सादात हुसैनी साहब, जनाब प्रोफेसर वानी साहब, जनाब सुहेल अंजुम साहब, भाई अजमल साहब, ख़वातीन व हज़रात, मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ हज़रत मौलाना जलालुद्दीन उमरी साहब मद्दिज़िल्लाहुल आली को कि उन्हें शाह वलीउल्लाह अवार्ड पेश किया गया, और इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी तरफ से भी और तमाम अहले इल्म की जानिब से डॉक्टर मंजूर आलम साहब और उनके रुफ़का को कि उन्होंने एक सही शख्सियत का एक बार फिर इंतखाब किया। शाह वलीउल्लाह साहब हिंदुस्तानी मुसलमान जो हैं, माफ़ कीजिएगा, जितना फख्र करें इस बात पर कि वो शाह वलीउल्लाह साहब हम में से थे, हमारे मुल्क से थे, वो उतना ही कम है। शाह साहब ने जिस तरह तत्बीक का तरीक़ा निकाला और उसके लिए कोशिशें की, जिस तरह कुरान फहमी को आम किया, जिस तरह उनके ख़ानदान ने इल्म हदीस की खिदमत की, जिस तरह शाह साहब ने अपने फ़िक्र और ख़याल से शरीयत और तरीक़त दोनों को एक दूसरे से हम आहंग किया, वो गैर मामूली चीज़ है। और मुझे खुशी है कि इस दफ़ा जिस शख्सियत को अवार्ड दिया गया है वो इल्म और हिल्म दोनों का पैकर है। मौलाना जलालुद्दीन उमरी साहब जो हैं वो इल्म और हिल्म का पैकर हैं, और जैसा कि अभी क्या अमीर जमात इस्लामी हिंद फरमा रहे थे, वो खाली इल्मी और नज़री शख्सियत के मालिक नहीं हैं बल्कि अमली तौर पर भी पूरी तरह सरगर्म रहे हैं। वो सफ़र जो जुनूबी हिंद से शुरू हुआ, अरकाट से उमराबाद, उमराबाद से रामपुर, रामपुर से अलीगढ़, अलीगढ़ से दिल्ली, इस सबको अगर आप पेश नज़र रखें उनकी सरगर्मियों को, तो गैर मामूली बात है। उन्होंने जो किताबें लिखी हैं हर किताब अपनी जगह बड़ी अहम है, लेकिन मैं बड़े अदब से और बड़ी ईमानदारी से जो अपना तासुर है वो पेश करना चाहता हूँ। उन्होंने मुस्लिम ख़वातीन पर और इस्लाम के हवाले से ख़वातीन पर जो कुछ लिखा है वो हमारे ज़माने में खासे की चीज़ है, इसलिए कि मुसलमानों की दुनिया में जो घेराबंदी हो रही है वो इसी बात पे हो रही है कि हम अपनी औरतों के साथ वो सलूक नहीं करते जो कि होना चाहिए। मौलाना जलालुद्दीन उमरी साहब ने इस क्या मैं
इल्जाम को एक तरह से न सिर्फ मुस्तरद किया है बल्कि अपने कलम की ताबानी से और जौलानी से और हक गोई से ये बताया है कि इस्लाम औरतों को क्या नहीं देता है। वो तमाम चीजें जिनका जो दुनिया में औरतें जिसकी तलबगार हो सकती हैं, ख्वाहिशमंद हो सकती हैं, वो सब इस्लाम उन्हें हता करता है। डॉक्टर मंजूर आलम साहब जो हैं उनकी क़यादत में इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ जो है वो हर तरह के काम कर रहा है, जैसा कि शुरू में प्रोफेसर दौर मोहम्मद खान साहब ने तारुफ कराते हुए बताया था। हम खुदाए बुजुर्ग को बरतर से दुआ करते हैं कि वो डॉक्टर मंजूर आलम साहब का साया हम सब पे बना के रखे, उनको के मंसूबों को और ज़्यादा मुनज़्ज़म तौर पर तवानाई और कामयाबी अता करे, और इसी तरह से वो उम्मत में जो बेहतर अफराद हैं उनका इस्तकबाल करते रहे, उनको एजाज से नवाजते रहे। बुनियादी तौर पे ये शाह वलीउल्लाह साहब के नाम पर ये एजाज जो है ये सिर्फ शाह साहब के नाम को नहीं बल्कि जिसको मिल रहा है उसकी शख्सियत के भी मुताबिक होता है, ये बड़ी बात है। मैं इसके लिए इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज को मुबारकबाद देता हूँ। मेरे दोस्त और भाई सुहेल अंजुम ने जिस तरह से मौलाना का तारुफ पेश किया और जिस तरह से पासनामा पेश किया गया, मैं उसकी हरफन हरफन तायीद करता हूँ, बल्कि मैं ये कहूँगा कि शायद इससे बेहतर पेश करना हम सब के लिए आसान नहीं होता। ये IUS का कमाल है और सुहेल अंजुम का कमाल है कि उन्होंने इसे मुमकिन बना दिया। जिस तरह से राबे साहब ने, खालिद सैफुल्ला साहब ने, अमीर जमात इस्लामी हिंद ने कि मौलाना की खिदमात का इहाता किया, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता। सिर्फ यही दुआ है कि मौलाना जो हैं वो लंबी उम्र पाए सेहत व आफियत के साथ, और इसी तरह से उनका कलम रवा दवा रहे और इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज इसी तरह से आगे बढ़ाता चीज़ों को बढ़ाता रहे। मैं आज के इस जलसे में जिस रिसर्च स्कॉलर को अलीगढ़ के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की अवार्ड दिया गया है उसको भी एक दफ़े फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ। चूँकि बहरहाल डॉक्टर साहब का ये काम जो है वो भी बड़ा अहम है, जो कि सिर्फ ये नहीं कि हम बुजुर्गों का एतराफ़ कर रहे हैं उनकी इल्मी खिदमत का, बल्कि नए लोगों को भी के लिए भी महमेज का एक रोल अंजाम दे रहे हैं, उनको तरगीब दे रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इस मौके पर याद किया गया, और अजमल जो है उनकी जो निज़ामत की सलाहियत है उसका एतराफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला इन सब को जमा रखे, इन सब को आगे बढ़ाए और तरक्की दे। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना अनिलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब। अब इसके बाद मैं गुजारिश कर रहा हूँ प्रोफेसर मोहम्मद इश्तियाक साहब से, जो साबिक वाइस चांसलर मगध यूनिवर्सिटी बोध गया, कि आप अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। प्रोफेसर मोहम्मद इश्तियाक, ऑडियो और वीडियो दोनों बंद हैं। प्रोफेसर इश्तियाक साहब अगर आप सुन रहे हैं तो बराए करम अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। जी बेहतर। इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज के फाउंडर और रुए रवा जनाब डॉक्टर मोहम्मद मंजूर आलम साहब, इंस्टीट्यूट के सेक्रेटरी जनरल प्रोफेसर ZM खान साहब, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल प्रोफेसर हसीना हाशिया साहिबा, वाइस चेयरमैन ऑफ द इंस्टीट्यूट प्रोफेसर अफजल वानी साहब, आज के मेहमान खसूसी और रेसिपियंट ऑफ अवार्ड जनाब मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी साहब, दिगर मेहमान ग्रामी व हाजरीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इंस्टीट्यूट के तमाम एडमिनिस्ट्रेशन का
और खास तौर पे डॉक्टर मंजूर आलम साहब का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आज इस महफिल में मुझे भी अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया है। दोस्तों, इंस्टीट्यूट के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है और आप तमाम लोगों की नजर में कोई बात छुपी नहीं है, मगर मैं इंस्टीट्यूट के कई कारनामे ऐसे हैं जिनसे मैं बहुत ज्यादा ही मुतासिर हूँ। पहली बात तो यह है कि मेरी नजर में वो ये है कि इंस्टीट्यूट ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है कि जिसमें तमाम फरके और आइडियोलॉजीज के लोग शामिल हैं। अभी तक ये काम किसी पॉलिटिकल ग्रुप या कोई आइडियोलॉजिकल ग्रुप ने नहीं किया है, ये सहरा सिर्फ और सिर्फ जनाब डॉक्टर मंजूर आलम साहब को जाता है। आज इस तरह की जमात की बहुत सख्त जरूरत है और वक्त का तकाजा भी है कि हर जमात के लोग मिलजुल कर कौम की खिदमत करें और हालात का जायजा लें और गुज़िश्ता दौर से सबक हासिल करें और मुस्तकबल की अच्छी तैयारी में कोशां रहें। इसके अलावा डिफरेंट चैप्टर्स की मदद से कौम में जो बेदारी का काम इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज ने किया है वह काबिले तारीफ है। दोस्तों, हम अपने पुराने सुनहरे माजी को भूलते जा रहे हैं। वजूहात बहुत सारी हैं, मगर इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि हम लोग खुद भी अपने माजी को उजागर करने में नाकाम रहे हैं, मगर इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज ने इस काम को बखूबी अंजाम देने में काफी हद तक कामयाब है। 100 मुस्लिम मुफक्किर व साइंटिस्ट्स के काम को उजागर किया गया है इंस्टीट्यूट के ऑब्जेक्टिव की तरफ से और उनके कामों को सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस के जरिए भी लोगों तक पहुंचाने का काम इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज ने हुस्न असलूबी से किया है। किसी तरह के कंटेम्पररी इश्यूज हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, रिलीजन से, पॉलिटिकल से, सोशल और इकोनॉमिक, जो भी हो, इसी तरह के तमाम मुद्दे पर मुफक्किर हजरात को इंस्टीट्यूट ने इनवाइट करके गुफ्तगू का सिलसिला जारी किया है और उसके लिए लाहे अमल भी तैयार किया है, और ये सब डॉक्टर मंजूर आलम साहब की जेर निगरानी होता रहा है। उसी कड़ी में शाह वलीउल्लाह देहलवी के कारनामे को उजागर करने की कोशिश में ये अवार्ड का सिलसिला जारी किया गया है ताकि हम लोगों को मरहूम शाह वलीउल्लाह देहलवी के बताए हुए रास्ते को अपनी जिंदगी में उतारने की मदद मिल सके। इस काविश का सहरा इंस्टीट्यूट को, खासकर डॉक्टर मंजूर आलम साहब को जाता है। मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूं कि यह अवार्ड हर साल मुल्क के बड़े आलिम, अदीब, मुफक्किर वगैरह को देने का रिवाज इंस्टीट्यूट की तरफ से चल पड़ा है। जैसा कि आप तमाम हजरात को मालूम है कि इस साल के अवार्ड के लिए जनाब मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी साहब का नाम मंतखब हुआ है। आप जनाब उमरी साहब इस अवार्ड को रिसीव करके न सिर्फ इंस्टीट्यूट की गरिमा को ऊंचा किया है बल्कि हम लोगों की हिम्मत अफजाई भी की है और साथ साथ इंस्टीट्यूट की इज्जत अफजाई भी हुई है। मैं अपनी तरफ से और इंस्टीट्यूट की तरफ से इस साल के अवार्ड के मुस्तहिक जनाब उमरी साहब को दिली मुबारकबाद पेश करता हूं और अल्लाह तबारक तआला से उनकी अच्छी सेहत के साथ लंबी उम्र के लिए भी दुआ गो हूं। वाखर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मोहम्मद इश्तियाक साहब। हजरात गिरामी, मेहमानान खुसूसी के इजहार ख्याल का सिलसिला यहाँ तमाम हुआ। अब हम अपने प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज के इल्मी और फिक्री कारवां के काफिला सालार और इन तमाम सरगर्मियों के रूह रवां डॉक्टर मोहम्मद मंजूर आलम साहब, चेयरमैन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज से गुजारिश कर रहा हूं कि वो अपने सदारती खिताब से हम सबको मुस्तफीद फरमाएं। डॉक्टर मोहम्मद मंजूर आलम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम। हमारे बुजुर्गों और अजीज दोस्तों, मैं एक तालिबे इल्म हूँ
और आखिरी हिस्से तक तालबे इल्म ही रहूंगा। मेरी तालबे इल्माना गुफ्तगु को आप लोग जरा गौर से सुनिएगा और उसमें जो भी मौका हो तस्दीक कीजिएगा, इंशाल्लाह उससे हम इस्तफादा करेंगे। मैंने कुछ ऐसी चीज भी पढ़ी थी, यकीनन आप लोगों के इल्म में होगा कि अगर किसी कौम को पस्त करना है, कमजोर करना है, उसकी विरासत को कमजोर हो, चाहे वो विरासत इल्मी हो, फिक्री हो, या माली हो, या कुछ और भी हो, जितने तरह के विरासत हो उसको कमजोर करो। और पूरी दुनिया इस वक्त गौर से देखे तो मुसलमानों की वो शख्सियात जो गैर मामूली अपने वक्त में काम किया है इस्लाम के अलम को बुलंद करने, इस्लाम के पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने, कुरान को सही तौर पे लोगों को समझाने, और अहादीस और जो कुछ भी है उस सबको जो तुरासे इस्लामी है उसको आगे बढ़ाने में काम किया, आज हर तरफ से हमला है। और कभी कभी वाकई बड़े अफसोस का मकाम होता है कि खुद मुसलमानों में भी ऐसे ऐसे खिलाफात पैदा होते हैं कि जिससे वो हमारी शख्सियात मजरूब भी होती है और उस शख्सियात के कंट्रीब्यूशन कमजोर होने लगते हैं। ये इस वक्त भी पाया जा रहा है, चाहे वह शाह वलीउल्लाह हो या अल-थानी हो और वगैरह वगैरह जो भी हिंदुस्तान के पसमंजर में देखे। तो ये एक बहुत बहुत अहम इशू है। हमने जब ये तय किया था, इत्तफाक ये है कि हमारे जिन लोगों ने इसको ओरिजिनली थॉट के लेवल पे शाह वल्लाह अवार्ड को कायम करने की बात की, उसमें से आखिरी में दो मजीद शख्स का इंतकाल हो गया, एक तो अब्दुलरहमान मोमिन साहब, अल्लाह उनकी मगफरत करे, और दूसरी तरफ प्रोफेसर दानी साहब, वो भी इंतकाल कर गए। लेकिन ये सिलसिला जारी है, इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। एक और पहलू पे हम लोग सोच रहे हैं, इस वक्त जो है सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में और हिंदुस्तान में बिलखसूस बड़ी जबरदस्त कोशिश हो रही है कि मुसलमानों की तारीख और तहजीब को कैसे मिसमार किया जाए, कैसे उसे तबाह किया जाए। हम लोगों की कोशिश हो रही है कि एक ऐसा सेंटर या अदारा या आयुष के कामों के हिस्से में बढ़ाएं जिसको हिस्टोरिकल और सिविलाइजेशनल स्टडीज के तौर पे डेवलप करें। और इसमें काफी हिस्टोरियन से, काफी लोगों से बातचीत हो रही है। ये उसी का एक पार्ट है कि हम जैसे शाह वलीउल्लाह अवार्ड में ये बात एक सोर्स ऑफ, शाह वलीउल्लाह सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, सोर्स ऑफ एस्पिरेशन है। नौजवानों को ये समझना चाहिए कि अगर किसी कौम में सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन न रहे, सोर्स ऑफ एस्पिरेशन कमजोर हो जाए, सोर्स ऑफ मोटिवेशन कमजोर हो जाए, तो वो कौम बहुत दूर तक नहीं ठहर सकती। उसी तरह से अगर किसी कौम की तारीख और तहजीब को खत्म कर दिया जाए और उस पर इतने तरह के हमले हो जिसका जवाब प्रॉपरली दिया नहीं जा रहे हो, जिसको हम आम तौर से ये कहते हैं कि इल्म का जवाब इल्म से देना है, इल्म का जवाब जिद से नहीं देना है। इस वक्त बेशुमार ऐसे इशू हैं जिन इशू को हमें टेकअप करना है। हो सकता है कि हम अलीगढ़ में एक मरकज इस हिस्ट्री के नुक्ते निगाह से, जहां हमारा चैप्टर उसका स्पेशलाइजेशन, उसको डेवलप करें, और ताकि हम उसे उन हिस्टोरियन जो गैर मुस्लिमों में भी बहुत अच्छे हिस्टोरियन है, ईमानदार हिस्टोरियन है, हिंदुस्तान में भी, हिंदुस्तान से बाहर भी। हमें ये बात कहने में खुशी हो रही है कि हम इन दिनों काफी लोगों से कॉन्टेक्ट डेवलप कर रहे हैं, मुल्क में भी, मुल्क से बाहर भी, जो जिनका फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन हिस्ट्री और सिविलाइजेशन है। और इंशाल्लाह तवक्को है कि हम एक दूसरा इस पहलू को भी पूरी तरह से अडॉप्ट करने की अपनी सलाहियत के मुताबिक, अपने रिसोर्सेज के मुताबिक कुछ कर सके। मैं इस मौके पे ये चाहता हूँ कि जो लोग खास तौर से हिस्ट्री और सिविलाइजेशन
और अपने तुरास से या अपने विरासत से वाकिफ हैं उन लोगों को ज्वाइन करना चाहिए, हाथ बढ़ाना चाहिए। अब इससे कि मैं अपनी बात खत्म करूं, ये बात हमेशा कहता रहा हूं कि हम इस बात की भी कोशिश कर रहे हैं कि इंस्टीट्यूट ने शुरू से ही दौरे अव्वल से जब से कायम हुआ है एक मिशन दिया है कि सिट टुगेदर, थिंक टुगेदर, वर्क टुगेदर। ये मिशन जो है हमारा, इसको हम फैलाना चाहते हैं। जब तक कि हम एक दूसरे के साथ बैठेंगे नहीं, जब तक कि हम एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम अपने काम में इत्तेहाद और इत्तेफाक नहीं पैदा कर सकते हैं। ये बहुत शुरू से ही ये काम कर रहे हैं। अब मुझे उम्मीद लग रही है कि अल्लाह ने ऐसे हालात पैदा किए हैं, शायद अल्लाह की ख्वाहिश भी है, अल्लाह ने जो हिदायत दी है कुरान में जमीन वाला तफरको, हो सकता है कि अब मुसलमानों में जो सोचने वाले हैं, समझने वाले हैं, इल्म रखने वाले हैं, उदुल अलबाब के कैटेगरीज में हैं, वो सारे कुछ इस पहलू पर गौर करें कि हम किस तरह से इस काम को अंजाम दे सके। जरूरत इस बात की है आज की, हम एक काम यहां से शुरू कर सकते हैं कि अगर हम अपने निजी गुफ्तगू में भी जिस तरह जिन लोगों के काम अच्छे हो उसका जिक्र खैर करें। हर चीज का एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है। जब हम इस तरह की गुफ्तगू करेंगे तो जाहिर है गुफ्तगू करेंगे तो एक से ज्यादा लोग होंगे ही, तो वो जिक्र जो है तो दूसरी जगह फैलने लगती है हवाले के साथ। अगर बड़े लोग करते हैं तो और भी ज्यादा फैलता है। मसलन हजरत सैयद मौलाना राबे साहब, खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, जमात इस्लामी के अमीर, खुद हमारे जिन्हें आज जो है अवार्ड दिया है मौलाना जलालुद्दीन अंसर उमरी साहब, ये लोग अपने महफिल में निजी अपने ही दोस्ता के बीच में जिसको भी वो पसंद करते हो, जिनके कामों को अच्छा समझते हो, उनका अगर जिक्र खैर करें तो ये इसका फितरी असर ये होगा कि वो अपने हलके में बात करेंगे कि अरे भाई खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब इतनी अच्छे फलाने के बारे में ये बात कर रहे थे, जलाल साहब ये कह रहे थे, इसके जो है बहुत अच्छे पॉजिटिव असर पैदा होते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर उसी महफिल में अगर कोई गलत बात आई तो उसे अगर टोक दिया जाए कि नहीं आप उसकी तस्दीक करें, इसका सबूत दें, तो ये होता है कि ये भी बात जा करके दूसरों तक जाती है। आज इसकी बड़ी जरूरत है, आज हम लोग इस बात की कोशिश करें और इस अवार्ड के जरिए इस तरह के आज देखिए हर चीज में आज इस टेक्नोलॉजी से हम पूरी दुनिया तक ये पैगाम दे रहे हैं। वैसे तो हम अवार्ड 13 अवार्ड दे चुके हैं, 14 में इस वक्त पूरे मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में ये इस प्रोग्राम को लोग वॉच कर रहे हैं, ये एक इसमें भी बहुत बड़ा खैर है। तो मैं ये बात कह रहा था कि इंशाल्लाह ये जो हिस्ट्री के और सिविलाइजेशनल डायमेंशन पे कुछ प्लान हम लोग कर रहे हैं, इंशाल्लाह इंस्टीट्यूट हो सकता है कि उसे फर्दर वो डेवलप करने की कोशिश करें और उसका मरकज जो है वो हो सकता है कि अलीगढ़ चैप्टर को बनाया जाए, कुछ जैसा कि हम लोगों ने एक जेंडर स्टडीज का मरकज जो है वो कैलीकट में बनाया है, क्योंकि जो औरतों के मसाइल हैं, औरतों के इश्यूज पर जो चीजें हैं उसकी का मुताला कुरान और हदीस की रोशनी में होना चाहिए। वो सेंटर ऑलरेडी 2 साल से काम कर रहा है, कई प्रोग्राम कर चुके हैं और उसमें भी इस बात की कोशिश हो रही है कि सिर्फ न सिर्फ हिंदुस्तानी बल्कि बैन अलाक़वामी सतह के ख़वातीन जो इस तरह के इश्यूज पे कुरान हदीस की रोशनी में काम कर रहे हैं वो लोग से मशवरा लें। आज ही कुछ लोगों से मेरी बात हुई है ख़वातीन में जो हिंदुस्तान से नहीं बाहर के हैं, वो लोग बहुत ही खुश हैं कि चूंकि ये इस तरह का काम हो तो और अच्छा है। तो इंस्टीट्यूट एक अपनी छोटी सी कोशिश कर रही है कि कैसे मजीद
इल्म रखने वाले के बीच में, चाहे वो खवातीन हो या मर्द हो, उनके बीच में कैसे रवाबित कायम हो सकता है, कैसे हम लोग अपने अपने इल्मी नॉलेज का एक्सचेंज कर सकते हैं, कैसे एक दूसरे को ज्यादा अपने अपने मालूमात से वाकिफ कराएंगे करा सकते हैं। हमें यकीन है कि जो भी हालात इस वक्त दुनिया में है उसने बहुत सारे चैलेंजेस पैदा किए हैं। जिंदा कौम चैलेंजेस को कबूल करती है, जिंदा कौम जो मुर्दा कौम होती है वो चैलेंजेस से घबरा करके कहीं किनारे में चली जाती है। नहीं, हम जिंदा कौम हैं। हालात बहुत ही मुश्किल हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या ये इससे मक्के के दौर से ज्यादा मुश्किल हालात है, मैं नहीं समझता हूँ। यकीनी तौर पे हम जिन हालात से गुजर रहे हैं उसकी तकालीफ से, उसके मसायब से, उनके खराब तरीन हालात से, जिस तरह की दुश्मनियां पैदा हो, पूरी बैन अवी साजिशें हो रही हैं, वो सारी चीजें अपनी जगह पे हैं। लेकिन आज भी हमें कुरान और सीरा मुकम्मल तौर से हिदायत दे रहा है कि हमें इस पर यकीनी तौर पे, क्योंकि मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब मौजूद हैं, हम जब ये कहते हैं कुंतुम खैर उम्मतिन उखरजत लिन्नास, और जब हम ये कहते हैं वलकद करमना बनी नास, दोनों में बहुत गहरा रब्त होना चाहिए। जिस दिन ये दोनों रब्त कि हम लिन्नास हैं और जो इंसान को इकराम के साथ पैदा किया है, इस दोनों का गहरा रब्त कायम करने में अगर हमने अपना एक एजेंडा, नेशनल एजेंडा भी इंटरनेशनल एजेंडा भी, डिग्निटी ऑफ ह्यूमैनिटी को एक इंटरनेशनल एजेंडा बना के हम काम करें, तो हम यकीन रखते हैं कि इस वक्त पूरे बैनुल अक्वामी सतह पे ये काम नहीं हो रहा है। डॉक्टर अली कुर्रादाही ने ये जुमला बहुत अहम लिखा, जो मुझे खत लिखा है उन्होंने इसी मौजू पे, सदियों में ये काम नहीं हुआ है, जो इंसानों के जो वकार हैं, इज्जत है, डिग्निटी है, उसको अगर हम एजेंडा बनाते तो आज के हालात में और भी कुछ अच्छे काम, अच्छी अच्छी चीज होती। हम उनसे भी ये अपील की है कि भाई आप इस स्टेज में हैं कि आप इसे बैनुल अक्वामी एजेंडा बनाइए। इस वक्त जो है जरूरत है पूरे बैनुल अक्वामी लेवल पे कि ऑनरेबिलिटी ऑफ ह्यूमैनिटी को मेंटेन कायम करें और उसके लिए जद्दोजहद करें। इंशाअल्लाह वो लोग जो दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, पैदाइशी तौर पे उन्हें कमजोर से कमजोर और इंसान नहीं समझा जाता है, काला और गोरे का फर्क है, इन सारी चीजों को अगर हम दूर कर सकते हैं तो यही तरीका है जो कुरान ने बताया है, उसी को सही तौर पे अख्तियार करने में हमें कामयाबी हो सकती है। मैं इंशाअल्लाह हम इंस्टीट्यूट, क्योंकि बहुत छोटा सा दायरा है, उसके रिसोर्सेज बहुत कम है, मगर अल्लाह पर पूरा भरोसा है, अल्लाह वही होगा जो अल्लाह चाहेगा। हमारे अपने जज्बात जो भी हैं अल्लाह जानता है, तो उस जज्बात और तमाम कमजोरियों से भी अल्लाह वाकिफ है, तो एज इंसान कमजोरी अपनी जगह पे अल्लाह ताला माफ भी करेगा इंशाअल्लाह। तो मैं आप लोगों का तमाम जो हमारे बुजुर्गों ने शेयर किया है, मेहमानों ने शरीक किया है, तमाम लोगों का दिल की गहराई से मंजूर आलम आप लोगों का बेहद मशहूर है, IUS की तमाम स्टाफ, बाकी तो ये लोग है यानी ऑर्डर थिंग्स वगैरह पेश करेंगे, लेकिन मैं अपनी इस खुशी का इजहार कर रहा हूँ कि आज का ये प्रोग्राम उन हम सिर्फ ये जुमला कहते हुए ख़त्म करूँगा कि जब मैं तालिब इल्म अलीगढ़ में था और उसी ज़माने में हमारे सैयद जलाल साहब से, उमरी साहब से बातचीत होती थी, तो मैंने उनके सामने उस जमाने में कहा था कि आपकी ये किताब जो अमर बिल मारूफ है वो बहुत ही मुझे पसंद आई है, और वो किताब वाकई ऐसी है कि कई जबानों में इसका तर्जुमा होना चाहिए। बाकी जो सारी किताबें हमें जो किताब मुझे सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया था तालिबे इल्मी के जमाने में वो अमर बिल मारूफ था, और उससे हमने गैर मामूली इस्तफादा किया। अल्लाह ताला उनको जजाय खैर दे और उनकी उम्र भी लंबी लंबी दे, सेहत के साथ मजीद जो काम हो रहा है उन सब चीजों को बढ़ाने में उनकी
दुआ भी, उनकी मदद भी जरूरत पड़ेगी। मैं फिर आखिर में सभी का शुक्रिया करते हुए कि अल्लाह ताला जो काम, जो मशवरे आप लोगों ने दिया है वो मशवरे को भी सामने रखेंगे और इंशाल्लाह कई प्लान जो है से IUS ने डेवलप किया है, रिसर्च के मैदान में भी पूरा एक कंपेडियम ऑफ रिसर्च टीम डेवलप किया है जो ऑलरेडी वेबसाइट पर अवेलेबल है, उसमें आप लोग देखें जो जिस मजीद मशवरा दे सकते हैं। जो लोग भी कुछ मदद करना चाहें उस इल्मी मैदान में हमें बड़ी खुशी होगी ताकि इंस्टीट्यूट मजीद उस काम को बढ़ा सके। इंस्टीट्यूट ने ये फैसला किया है कि इंस्टीट्यूट के जरिए जितनी किताबें पब्लिश होती हैं मिनिमम 3 जबानों में, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, तर्जुमा जरूर होगा। जिस 2 प्रोजेक्ट के बारे में बात हुई है, वलकत करमना बनी आदम व कलमतुल्ला हिय लौलिया, वो 18 जबानों में तर्जुमा होगा, तमाम 18 जबानों में प्रायोरिटी के साथ, क्योंकि ये एक तरह से दावती लिटरेचर है, इसलिए जितना जल्दी हम ला सके तो उसकी भी कोशिश करते हैं। तो मैं फिर एक दफा आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह आप तमाम लोगों को जजाय खैर दे और अल्लाह IUS को सही तौर पे काम करने का मौका भी दे और गाइडेंस भी मिलता रहे आप लोगों का भी, और अल्लाह की रहमत के साथ काम को आगे बढ़ाया जाए। वो आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जज़ाकल्लाह खैरन। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद मंजूर आलम साहब, आपने अपने सदारती खिताब में इजहार तशक्कुर के साथ और हमारे सामने बहुत ही रहनुमा बातें रखी, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। अब मैं इंस्टीट्यूट ऑब्जेक्टिव स्टडीज के वाइस चेयरमैन प्रोफेसर अफजल वानी साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि वो कलमात तशक्कुर अदा फरमाएं। प्रोफेसर अफजल वानी। नहमदुहु व नुसल्लि अला रसूलिल करीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मैं इख्तिसार के साथ तशक्कुर के कलमात पेश करना चाहता हूं और साथ में एक दो बातें अर्ज करना चाहता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं दाद देता हूं बसीरत की और बसारत की और जसारत की जो हमारे चेयरमैन डॉक्टर मंजूर आलम साहब में मौजूद है, और उसकी वजह से वो ऐसे प्रोग्राम सामने लाते हैं जिससे इंस्टीट्यूट के मकासिद हासिल करने में मदद मिलती है। और इंस्टीट्यूट के मकासिद ये हैं कि पूरे आलम के लोगों के लिए भलाई हो और बेहतरी हो, कामयाबी हो, असली फलाह हो, कामरानी हो, और पूरे दुनिया में इंसाफ हो और सबके लिए इंसाफ हो और एक अच्छा इंसानी निज़ाम कायम हो, और उसके लिए मारूजी मुताले किए जाते हैं और उसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। और इस वक्त भी उन्होंने जो कलमात फरमाए उसके सारे डायमेंशन हैं, वो बिल्कुल वसी हैं, पूरी इंसानियत के लिए हैं और कौमी एतबार से मुल्क के लिए वो बहुत ही मुफीद और फायदेमंद हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, सारे जो काविशें वो करते हैं और अपने सेहत का ख्याल न रखते हुए और रखते हुए सारे काम अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, रहनुमाई फरमाते हैं। मैं फिर से उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। फिर हजरत मौलाना जलालुद्दीन उमरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये अवार्ड कबूल फरमाया, और उनके बहुत सारे खदमात रहे हैं दावती एतबार से, बल्कि 1980 की दहाई में जब मैंने उनके औरतों के हकूक के बारे में किताब पढ़ी, जबकि वो उसका वॉल्यूम बहुत बड़ा ज़्यादा नहीं था, लेकिन मफहूम और हुज्जत के एतबार से वो काफ़ी बड़ी किताब थी, और तब से मौलाना के लिए हमारे दिल में एक बहुत वसी जगह बन गई, और हमने उनके तसनीफ का अपने LLM और अपने PhD में भी इस्तिफादा किया। और बाद में मुझे मालूम नहीं था कि एक दिन ये भी आएगा कि मैं उनके साथ डायस भी शेयर करूंगा,
बल्कि सबसे ज्यादा मेमोरेबल है जो निजाम मैदान में जस्टिस अहमदी, मौलाना उमरी और प्रोफेसर वानी एक साथ जजेस और लॉयर्स को खिताब कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और इनकी बातों में और उनका स्टाइल, अगर इंग्लिश में बताऊं, वो खुद ही दावत है, मतानत इनकी खुद ही दावत है। बाकी लिखने की मैं उतनी तारीफ कम टाइम में नहीं कर सकता हूं, बल्कि खुशी है कि आईओएस के जो अवार्ड जो है उसका मुद्दा मकसद हासिल करने में ये हम कामयाब हो गए कि हम मौलाना जैसे लोगों को ये अवार्ड पेश कर रहे हैं। इसमें बहुत ही खुशी की बात है और वो इसके मुस्तहिक हैं और सभी इसकी दाद भी दे देते हैं। और अल्लाह करे कि इसी तरह से और अलमा और बाकी दानिश्वर भी दीन की खदमत करते रहें, इंसानियत की खदमत करते रहें, रूल ऑफ लॉ की खदमत करते रहें, जस्टिस की खदमत करते रहें और इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज की सराहना करते रहें, मदद करते रहें और हमारे लिए दुआ करते रहें कि हम अच्छे अच्छे काम करते जाएं। इसके लिए खास गुजारिश है। तो मैं मौलाना का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अवार्ड कबूल किया और अब जुड़ गए हमारे साथ और इंशाअल्लाह ताला उनकी दुआएं हमारे साथ रहेंगी। मौलाना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ जो इस वक्त मैं कहूँगा रूही रवा हैं, मौलाना राबे साहब, तो उनका शुक्रिया हम अदा करते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं और आज भी वो बिल्कुल हमारे साथ हैं। उनकी मसरूफियात बहुत रहती हैं लेकिन तब भी वो हमारे साथ जुड़ जाते हैं। बल्कि मैं कहूँगा ये हमारे चेयरमैन साहब का ही एक बहुत ही मुखलिसाना अंदाज है जिसके लिए ये सारे जो मुअज्जज लोग जुड़ जाते हैं और हम इसका फ़ायदा उठाते हैं और हम पूरी इंसानियत के लिए रिसर्च का काम, तहकीकी काम करते रहते हैं, कराते रहते हैं और पेश करते हैं। और हमारे साथ मौलाना खालिद सैफुल्ला साहब हैं, उनके मजामीन देखते रहते हैं और उनकी बसीरत बहुत अच्छी है, उनका अंदाज बहुत अच्छा है और वो भी इंस्टीट्यूट के एक बैकबोन की तरह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जो उन्होंने अच्छे कलमात जो पेश किए हम उसके लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हम बहुत ज़्यादा देर तक हमारे साथ रहें और उनके इल्म का फ़ायदा इंसानियत और उम्मत को मिलता रहे। मौलाना सैफुल्ला साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो हैं अमीर जमात हिंद, वो जवान माने जाते हैं और स्कॉलर भी हैं और बहुत ही अच्छे जो हैं आलिम भी हैं और उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं, तो इसलिए उनका हमारे साथ जुड़ना और अच्छे हमारी सराहना करना, मैं उसके लिए उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और उनसे ज़्यादा उम्मीदें रहेंगी क्योंकि उनसे उनकी वर्बोसिटी, उनकी एलोक्वेंस, उनकी तकरीर बहुत अच्छी है और इसका मतलब है उनकी नीयत भी बहुत मजबूत है और साफ है, तो इसलिए जो है बिल्कुल वाजे है और इसका मतलब ये नहीं है और उनका नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक जलाल सा दिखाई दे रहा है, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ इस उम्मीद के साथ कि वो हमारे साथ तआवुन करता रहे मुख्तलिफ प्रोग्रामों में और जो उम्मत के काम हैं, जो इंसानियत के काम हैं, उनमें हमारे साथ रहें, तआवुन करें और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उनका। और एक बहुत ही एक आवाज़ है हिंदुस्तान में जो मुनफरिद है और कोई भी उसको पहचान सकता है और वो है प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब की। अपना अंदाज है, अंदाजे बयान अलग है और उनका तकरीरी फन जो है उसने बहुत सारे लोगों को मोह मतलब लेके रखा है अपने साथ और वो हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं। वो भी हमारे खलूस से वाकिफ हो गए हैं और तभी जो हैं वो हमारे साथ जुड़े रहते हैं और अच्छे काम में मदद भी करते हैं।
इल्मी मदद करते रहते हैं और ताउन उनका हमारे साथ है और उनका हमारे साथ रहना हमें बहुत अच्छा लगता है और हमें मजबूती मिलती है उससे, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और अल्लाह करे कि ये सारे लोग जिनके नाम मैंने लिए वो उनसे और ज्यादा काम लेता रहे अल्लाह। यहाँ पे मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हम लोगों को दावत के तस्वुर को फिर से एक बार देखना चाहिए कि आज के जमाने में, क्योंकि हर जमाने में दावत के लफ्ज की वसत को देखना चाहिए और मैं समझ रहा हूँ कि आज की दावत का वसत सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी को दावत दें कि हमारे साथ ये लोगों का एक ग्रुप है इससे जुड़ जाए, बल्कि इस वक्त नजरियाती एतबार से दीन के अल्लाह के पैगाम में जो तस्वुरात हैं उनको इस तरह से पेश करना है कि कोई भी जो है उन हकीकत को समझने के लिए तैयार हो जाए, उसके लिए आसान हो जाए। और जो नजरियात गैर समझे जाते हैं वो नजरियात गैर नहीं है, जैसे इक्वालिटी है, लिबर्टी है, जस्टिस है, डेमोक्रेसी है, या और जो है गुड गवर्नेंस है, ह्यूमन राइट्स है, ये गैर नजरियात नहीं है। ये कोई वो भी नहीं मानता हूं कोई मॉडर्न, जिसको कहते हैं मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न, ये मॉडर्न, ऐसा भी नहीं है। ये कंटिन्यूटी है, अल्लाह के कलाम से शुरू हुआ है, अल्लाह के कलाम के साथ जारी रहेंगे। और हमें ये गैप हटाना है, मैं ये देखना है, मैं यही कहूंगा कि सुफा यूनिवर्सिटी से होते हुए ग्रनाडा, कार्डोजो और ये जो जैसे कर्तबा, और ये यूनिवर्सिटीज बन के यूरोप के बच्चों ने उनमें पढ़ा और उन्होंने ऑक्सफोर्ड बनाए, उन्होंने कैम्ब्रिज बनाए, उन्हें और यूनिवर्सिटी बनाए। तो ये गैप हमने क्यों पैदा किया? ये गैर नजरियात है नहीं, ये कुरानी नजरियात है, इस्लामी नजरियात है, इंसानी नजरियात है। तो इस सतह पे इनको वाजह करके ये एक दावत का एक हिस्सा है। दावत का मतलब है किसी के जहन को इनवाइट करना, किसी के जहन को तैयार करना सोचने के लिए, किसी के जहन से जो है अगर एनलाइटमेंट नहीं है, एनलाइटमेंट पैदा करना, परसुएशन है। ये नहीं है कि आप उसको लेके जो एक है छोटा सा नजरिया वो भी है कि कोई आके आपके हाथ पकड़ के कलमा पढ़ता है, ये वो नहीं है। इसकी वसत को देखना चाहिए, तो उस तरह से काम करना चाहिए। और ये बुनियादी बात है, ये हमेशा जहन में रखनी चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ है कि वो अच्छे अच्छे स्कॉलर पैदा करे, अच्छे अच्छे उलमा पैदा करे, जिससे हमारा एनरिचमेंट होता रहे और ताबत जो उनका वादा है ये मशअल जलती रहे। और इल्म के नाम पे पहला डिस्टिंक्शन इसका, पहला करेक्टरिस्टिक इसका इल्म होना चाहिए और हिकमत होना चाहिए। और इल्म हिकमत का ही नाम दावत वो दूसरा रूप इख्तियार कर जाता है। जब इल्म जाहिर होता है, जब हिकमत जाहिर होती है, तो दूसरे का जहन ऑटोमेटिकली आपके जहन को समझने की कोशिश करता है, वो अट्रैक्ट हो जाता है, इसको दावत कहते हैं। और मैं जाती में नहीं जाना चाहता हूँ, इसके कई पहलू हो सकते हैं, वजाहत हो सकती है। मुझे मालूम है कि हमारे चेयरमैन साहब बहुत टाइम से बैठे हुए हैं। अब मैं हमारे अपने सेक्रेटरी जनरल प्रोफेसर जहूर साहब का, जैडम खान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वो बहुत ही अच्छे अंदाज में इंस्टीट्यूट के ऑब्जेक्टिव्स को बयान करते हैं, मैं उसके लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे साथ बहुत ही दिलकश पर्सनैलिटी है, उनको इश्तियाक साहब कहते हैं, ज्योग्राफर हैं और वहाँ वाइस चांसलर रहे हैं वो बोधगया में, और उनसे हम बहुत प्यार करते हैं। तो प्यार की वजह से कम अल्फाज में उनका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि वो तो जुड़े हुए हैं, वो जाएंगे कहाँ, हमने दिल के दरवाजे बंद रखे हैं, उनको अंदर रखा है, वो भागेंगे कहाँ। तो इसलिए वो है, फिर भी दिल में रहने के लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर हमारी बहन है हसीना, प्रोफेसर हसीना हाशिया, और उनका बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है एक वो रहता है, बयान रहता है, एक्सप्रेशन रहता है। मैं उनका इतना शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो जीनत बख्शते हैं अपने आइडियाज से, अपनी बातों से, और बहुत ही एकेडमिक जुरत में कहूँगा उनमें है,
और वो इंस्टीट्यूट के लिए एक बहुत ही अच्छा एसेट है और इंसानियत के लिए भी। और लास्ट पे मैं सारे जो लोग अटेंड कर रहे हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि उनको भी वो माला माल कर दे इल्म हिकमत से, और जो IOS का स्टाफ है उनको, और वो बहुत ही कॉम्पिटेंट है, उनकी सलाहियत को बढ़ाएं, वो हमारे हाथ हैं, उनकी सलाहियत को बढ़ाएं और इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे काम करते रहे। और फिर जिनका मैं नाम नहीं ले सका, अल्लाह उनको और ज्यादा अता करे, क्योंकि यहाँ पे कुछ कमी रह गई होगी तो कहते हैं अल्लाह उनको ज्यादा दे देता है। और इसमें इसके बाद मैं अपना भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो जो है कि मैंने भी वो, मैं कहीं गया था सफर में सबका सुनता रहा, और जब मेरी बारी तो उस वक्त मैं घर पहुंच गया और अच्छी तरह से आपसे बात कर पाया और दौड़ते हुए आया, और बहुत शुक्रिया करता हूँ अपने जिस्म जान की। और आप सब लोगों से गुजारिश करता हूँ कि मेरी तंदुरुस्ती के लिए और दानिश के लिए, हिकमत के लिए दुआ करें। और लेकिन साथ में मैं बहुत ही दर्द में हूँ कि हमने एक अभी कुछ दिन पहले एक अच्छे दोस्त को खोया, इश्तियाक दानिश साहब को, और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि उनको जन्नतुल फिरदाउस नसीब अता करे। और जिया साहब जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, एक अच्छे जर्नलिस्ट थे, अच्छे राइटर थे, एक अच्छे एडिटर थे, अल्लाह उनको भी मगफिरत अता फरमाए और अल्लाह हमसे राजी रहे और हमसे जो है इंसानियत के लिए, मैं मुसलमानों का सिर्फ नहीं कहूँ, पूरी इंसानियत की बेहतरी के लिए हमसे काम कराए, क्योंकि दावत जो है वही है कि आप पूरी इंसानियत को दावत दे रहे हैं। रहमतन लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम रिप्रेजेंटेटिव हैं, और जो है एनलाइटनमेंट के लिए हम काम करें, और नीस्ती के लिए के साथ सेक्रिफिशियल स्प्रिट के साथ हम पूरी इंसानियत के लिए काम करें। और फिर मैं कहूँगा या अल्लाह IOS के जो मकासिद हैं और उन मकासिद से हमें जुड़े रहने की तौफीक अता फरमा दीजिए, और जिस भी हाल में हैं उनके लिए काम करने की तौफीक अता फरमाइए। और हमें जो है थोड़ी सी खुदगर्जी भी है, हमें मकबूलियत भी अता फरमा दीजिए, क्योंकि वो भी ज़रूरी है, नहीं तो लोग हमें पहचानेंगे नहीं और हमारी मदद कैसे करेंगे। हमें अच्छी मकबूलियत, क्या कमी होगी मौला, हमें आप अच्छी मकबूलियत अता फरमा दीजिए, उसी कदर सलाहियत भी अता फरमा दीजिए मौला, और उसी कदर हमें काविश की तौफीक भी दे दीजिए मौला, उसी कदर हमारी हिकमत और विजडम को भी काफ़ी वसत दे दीजिए मौला, और हमसे अच्छे काम ले लीजिए मौला। आपको तो लेना ही है किसी से, हम ही से ले लीजिए, और जो है मैं भी वो इनाम दे दीजिए। आज तो इनाम की ही महफिल थी, और हम अपने बहुत ही ये जो है मतलब है तो मकसद से बहुत बड़ा, लेकिन ऐसे में वो उतने बड़े वो हम नोबल प्राइज तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये जो है उस एतबार से, वैल्यू के एतबार से, इंसानियत के एतबार से और इल्मी एतबार से ये बहुत बड़ा इनाम है। और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह एक तहरीक थे, हमेशा के लिए एक तहरीक हैं, उनको पढ़ के लगता है कि मैं इस वक्त दौड़ में हूँ। मैं अगर आप बैठे हुए पढ़ रहे हैं आपको नहीं लग रहा आप बैठे हुए हैं, आपको लग रहा हम खड़े हैं, और अगर आप जो है जागे नहीं है बहुत दिनों से, ये सोए नहीं है बहुत दिनों से, लेकिन आपको किसी चीज पे उन पर नजर पड़ती है तो आपको तब भी नींद नहीं आएगी, आपको जगाता है, झंझोड़ता है, सोचने पे मजबूर करता है। और ये जो है मकासिद जो है उम्मत के, जो चेयरमैन साहब कह रहे थे उखरिजत लिन्नास, उसका मफहूम सामने आ जाता है, और तब क्या वैल्यू है इस जिंदगी की अगर आप उस तहरीक को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, उसकी कैफियत को आप लोगों तक पहुंचाते नहीं हैं और उस तरह की समझ पैदा नहीं कर रहे हैं। और लेकिन मैं यही कहूँगा कि इतने अच्छे उलमा हैं, उनमें मेरा जैसा आदमी इतना बोलता जाए तो वो शायद इंसाफ नहीं होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि चेयरमैन साहब सोच रहे हैं, ये वानी साहब फिर बोलते रहते हैं, इसलिए मैं जो हूँ
एक बहुत ज्यादा दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं सबका। अल्लाह आपसे राजी रहे, अल्लाह हमसे राजी रहे और सबसे राजी रहे और हमें तौफीक दे कि हम अच्छे अच्छे काम करें, अमर बिल मारूफ के काम करें, इंसानियत की बका के लिए काम करें और एक सोज ज्या पे वो एक सोज साज पैदा हो जाए जिससे फिर जो है हम कहेंगे हम इंसानियत के खादिम हैं, न सिर्फ मुसलमानों के, हम इंसानियत के खादिम हैं और ये यूनाइटेड नेशंस का हम सपोर्ट है क्योंकि हम एक्चुअल थॉट देते हैं और इस तरह से सब कुछ अच्छा हो जाए। वाखर दावाना इन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत डिटेल के साथ शुक्रिया अदा करने के लिए प्रोफेसर उज़ुलवानी साहब का शुक्रिया जो अपने आप में इजहार तशक्कुर के बजाय खिताब तशक्कुर बन गया था। इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी इंस्टीट्यूट आप हजरात के लिए इस तरह की खूबसूरत महफिलें सजाता रहेगा। इसी के साथ इस प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान किया जाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।